I think that visible hai. जी सर, visible. So my topic is COVID-19 emergence outbreak and its management. क्योंकि अनिल ने मेरे से कहा कि साहब हमारी जो कॉन्फ्रेंस है वो इसी से संबंधित है, तो मैं उसी को फाइनल टच दे करके आपके साथ शेयर कर रहा था. चल रही है स्लाइड मेरी, चल रही है ठीक ना सर? स्लाइड नहीं आई. स्लाइड नहीं आई, ओके. यही कोई दिक्कत हो रही, क्योंकि कल भी कुछ कहीं ऐसा हुआ, इसीलिए मैंने पूछा आप लोगों से. एक मिनट, लेट मी फर्स्ट शेयर द स्क्रीन. हाँ सर, अभी ठीक है. अब आ रही है स्लाइड ना? जी सर. या दैट्स फाइन नाउ. विजिबल नाउ. अब स्क्रीन शेयर है, अब दिख रहा होगा आपको. तो इमरजेंस आउटब्रेक एंड इट्स मैनेजमेंट, ये हमने एक टॉपिक चुना है जिससे कि आपको थोड़ा सा आइडिया आपको मिल जाए. अगर मैं कहीं आउट ऑफ द टॉप ट्रैक जाऊं या कहीं आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो, कोई चीज हो, तो यू कैन स्टॉप मी इन बिटवीन. इट विल बी माई प्लेजर, क्योंकि इट शुड बी ए इंटरेक्शन. क्योंकि आजकल क्या है कि जो ऑनलाइन सिस्टम शुरू हुआ है, इससे बहुत सारे टीचर्स घबरा रहे हैं और ऑनलाइन से वो भाग रहे हैं और स्टूडेंट्स भी भाग रहे हैं. और वो हो किस लिए रहा है? क्योंकि हमारी आई टू आई कनेक्ट नहीं हो रहा है. तो कोशिश ये करिए कि ऑनलाइन सिस्टम के अंदर भी हम आई टू आई कनेक्शन करना शुरू करें ऑडियंस के साथ. तो आई टू आई कनेक्शन करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे, आप लोग भी क्वेश्चन मेरे से पूछेंगे तो मुझे भी मजा आएगा. तो इसलिए कहीं भी अगर आप इसको वर्चुअल क्लास मान के चलिए जब आप काम कर रहे हैं, तो व्हेनेवर इफ यू हैव एनी क्वेश्चन जस्ट रेज द फिंगर एंड आस्क मी द क्वेश्चन, आई विल बी प्लीज टू एक्सप्लेन. ओके, सो थैंक यू. नाउ इट इज विजिबल. यस यस सर. सो पहले हम आते हैं कि ये वायरस है क्या. वायरस की जब हम बात करते हैं तो वायरस जो है ये बैक्टीरिया से छोटे हैं, ये बात तो क्लियर है. और बैक्टीरिया से 10 से 100 टाइम्स तक छोटे हैं, स्मॉलर हैं. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं हम इसको. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से नहीं. और जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप मोस्टली आप लोगों के हमारी लैब में होता है, मोस्टली जो होता है उससे हम बैक्टीरिया तक देख सकते हैं, हम इनको वायरस को नहीं देख सकते. इनके अंदर कोई सेल नहीं होती, दे आर कॉल्ड एज ए सेलुलर ऑर्गन. ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्यों कहते हैं? कोई इनके अंदर सेल ऑर्गेनिल्स नहीं है, कोई सेल वॉल नहीं है, इनके कोई एंजाइम्स नहीं है एसेंशियल, कोई इनकी प्रोटीन सिंथेसिस की मैकेनिज्म नहीं है, कोई न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस की मैकेनिज्म नहीं है. आप ये समझ लीजिए कि जो वायरस एनवायरमेंट में पड़े रहते हैं, जब एनवायरमेंट में रहते हैं तो ये एक केमिकल पार्टिकल्स की तरह होते हैं. दे आर नॉट लिविंग पार्टिकल. जो एनवायरमेंट में पड़ा हुआ है, जो कोविड पड़ा हुआ है, कोरोना वायरस पड़ा हुआ है इस समय एनवायरमेंट में, ये जो सेल के बाहर है, तो इससे आप घबराइए मत, ये जिंदा नहीं है, ये मल्टीप्लाई नहीं कर रहा है. ये तो जब आपकी बॉडी में जाता है और आपकी बॉडी की जो रिसेप्टर सेल है, जब उससे चिपकता है, उससे बातचीत करता है, उससे जब इंटरेक्शन करता है, तो इंटरेक्शन करने के बाद जब आपकी सेल में अंदर जाता है, तो सेल में अंदर जाने के बाद ये डैमेज क्रिएट करता है. उससे पहले तक इससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है. वायरस है, पड़ा है और ये रहेगा भी एनवायरमेंट में. आप इससे भी ये बात भी समझ लीजिए, जो बहुत सारे साइंटिस्ट कहते हैं कि साहब के गर्मी आएगी, सर्दी आएगी, ये आएगा, वो आएगा और उसके बाद ये वायरस चला जाएगा. आज तक तो मैंने अपनी लाइफ में 45 साल मुझे हो गए पढ़ाते पढ़ाते माइक्रोबायोलॉजी, और देखते हुए कोई वायरस जो एनवायरमेंट में आ गया आज तक तो वापस गया नहीं. पिछले 150 साल से, 200 साल से जो बीमारी आ गई वायरस के थ्रू, वो आ गई, भले ही वो कम हो गई या ज्यादा हो गई या कुछ दिन के लिए चली गई या उसका प्रकोप कुछ कम हो गया, वो अलग इशू है, लेकिन वो गई नहीं है, खत्म नहीं होती. आप कोई सी बीमारी ले, आई विल गिव यू सम ऑफ द एग्जांपल्स जब मैं आगे आऊंगा. तो और दूसरी बात क्या है कि ये जो वायरस है इनके अंदर या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, दोनों नहीं होंगे न्यूक्लियस. डीएनए और आरएनए जो स्ट्रैंड है, ये प्रोटीन की जो सबमियर्स है, सब कैप्सोमियर्स हैं, प्रोटीन की जो छोटी छोटी सेल्स हैं उससे ढका रहता है और वो इसको प्रोटेक्शन करने का काम करते हैं और उसी से ये प्रोटेक्शन रहता है.
और जो कैप्सोमियर्स हैं, कैप्सिड्स हैं, वो पॉलीपेप्टाइड मॉलिक्यूल्स के बने हुए होते हैं। पॉलीपेप्टाइड मॉलिक्यूल्स यानी कि जो प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करते हैं। तो वायरस जो है वो एनवेलप भी हो सकते हैं, उसके साथ लिपोप्रोटीन भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। और ये ऑब्लिगेट पैरासाइट कहलाते हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब है कि ये सेल के अंदर, लिविंग सेल के अंदर ही जिंदे रह सकते हैं, लिविंग सेल के अंदर ही मल्टीप्लाई करते हैं, लिविंग सेल के बाहर ये मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, लिविंग सेल के बाहर ये जिंदे नहीं रहते, केमिकल पार्टिकल्स की तरह पड़े रहते हैं। तो ये इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स हैं और अपनी जीवन शैली को पूरा करने के लिए इन्हें लिविंग सेल का होना इनके लिए जरूरी है, उसी में जाके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और इनको अगर आपको कल्चर करना है तो जैसे एग है, जो मुर्गी का अंडा आप रोज खाते हैं, या और कोई एग है, उस एग सेल के अंदर आप इसको आसानी से कल्चर कर सकते हैं। एग सेल जो होती है पूरी सेल होती है और आप कर सकते हैं। कुछ वायरस के एग्जाम्पल है जैसे रेबीज है, एड्स है, मम्स है, हेपेटाइटिस है, इन्फ्लुएंजा वायरस है, डेंगू है, कॉमन कोल्ड है, मेनी अदर मोर डिजीज हैं, जो बहुत सारी डिजीज हैं। ये सारी डिजीज जो हैं हमारे अंदर एनिमल से आई है। ये पहले वायरस, ये वो वायरस नहीं है कि जो आदमी में ही पैदा हुए हैं और आदमी में ही जनरेट हुए हैं और आदमी में, ये सारे एनिमल से आए और एनिमल से जंप हुए हैं आदमी के अंदर। क्यों हुए हैं, अब मैं ये भी आऊंगा कि एनिमल से आदमी के अंदर वायरस क्यों आता है, वो भी पार्ट हम टच करेंगे। अब आते हैं हम के कोरोना वायरस है, और ये कोरोना वायरस जो कोविड है, कोरोना वायरस है, और ये कोई नया वायरस नहीं है। सैकड़ों साल से ये कोरोना वायरस जो है हमको पता है, और ये सैकड़ों साल से जो हमको पता है, साइंटिस्ट को पता है, ये बैट्स में रहते हैं, कैमल्स में रहते हैं, सिवेट्स में रहते हैं और बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनमें रहते हैं। और ये छोटी मोटी बीमारी कॉज करते थे, जैसे आपको कोल्ड कर दिया, कफ कर दिया, इन्फ्लुएंजा कर दिया, ये छोटी मोटी बीमारी माइल्ड इलनेस ये कॉज करते थे। अब ये माइल्ड इलनेस जो कॉज करते थे, यही माइल्ड इलनेस ये एनिमल्स में भी करते थे। लेकिन हुआ क्या है कि ये एकदम अचानक से ये इतना भयानक क्यों बन गया और इसका एक डर क्यों बना दिया गया, वो भी मैं आपसे क्वेश्चन वो बताऊंगा आपको कैसे कैसे हो गया। तो सबसे पहले इसमें कोरोना वायरस में एक डिजीज आई, सार्स एंड मर्स, ये दो वायरस आए 2003 के अंदर। और ये इन दोनों वायरस का जो जेनेसिस थी, इनकी जो इमरजेंस थी, इनकी इमरजेंस भी चाइना में हुई। अब आप मेरे से क्वेश्चन पूछेंगे कि साहब ये वायरस चाइना में ही क्यों पैदा हो रहे हैं, या ऐसे वायरस जो चाइना में पैदा होकर के वही एनिमल से ह्यूमन के अंदर क्यों आ रहे हैं। उसका आंसर भी मैं आपको दूंगा और नटशेल में अब मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि चाइनीज लोग वाइल्ड एनिमल्स को ज्यादा खाते हैं और वाइल्ड एनिमल्स की जब अपनी एग्जिस्टेंस खतरे में पड़ती है और उनके पास ये वायरस रह रहे हैं, तो वहां से जंप करके ह्यूमन के अंदर आ गए कि ठीक है खाओ भैया, हमें जिंदा तो इन्हें भी रहना है। और आप इनको इन बेवकूफ क्यों समझते हैं, इडियट क्यों समझते हैं, दे आर ऑल्सो इंटेलिजेंट। आखिरकार इन्होंने पूरी पृथ्वी, जिस समय आपका टेम्परेचर 105, 600, 6000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था अर्थ के ऊपर, तब ये पैदा हुए हैं भाई। तो दे आर मोर इंटेलिजेंट, दे आर हैविंग ए वेरी इंटेलिजेंट जीनोमिक सिस्टम। तो आप ये मत सोचिए कि इस इंटेलिजेंट जीनोमिक सिस्टम को आप ऐसे ही इसको खत्म कर देंगे। तो आपने जब उनको जानवरों को खाना शुरू कर दिया, जानवरों को आपने नुकसान पहुंचाना, उनकी वाइल्ड लाइफ को खत्म करना शुरू कर दिया, तो इन्होंने कहा ठीक है भाई हम तुम्हारी तरफ ही चलते हैं, ऑल राइट, अब तुम अपने को खत्म करो। तो देन दे स्टार्ट इन म्यूटेशंस, और ये म्यूटेशन स्टार्ट करके जंप करते हैं, ये एनिमल से ये ह्यूमन के अंदर जंप करते हैं। दिस इज द मेन रीजन। और कैसे क्यों जंप करते हैं वो भी मैं आगे आपको ये एक चीज बताऊंगा कि कैसे करते हैं। तो जो ये सार्स और मर्स वायरस हैं, ये 2003 में 2003 के अंदर चाइना के अंदर ये डेवलप हुए थे, और उसी समय ये एक डिसीजन हुआ, एक इंटरनेशनल साइंटिस्ट की मीट हुई, और ये हुआ कि वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जो वुहान में है, जो चाइना का एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी है और वर्ल्ड का टॉप मोस्ट वायरोलॉजिकल इंस्टीट्यूट है, वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। तो ये डिसाइड हुआ कि भाई वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में इस पर रिसर्च की जाए कि ये वायरस चाइना में ही क्यों ज्यादा पैदा हो रहा है और वहीं ये जाके क्यों इमर्ज हो रहा है, वहीं से ये एनिमल से ये ह्यूमन में क्यों आ रहा है। और 2003 में जब रिसर्च हुई तो 2005 के अंदर
ये साइंटिस्ट ने ये कहा था कि साहब ये बैट्स जो हैं, जो चमगादड़ हैं, इन चमगादड़ के अंदर ये वायरस रहता है, उसके जो पैड्स हैं, उसके जो पंजे होते हैं, पंजे के नीचे जो पैड होता है वहां ये वायरस रह रहा है, और ये वायरस जो है बहुत जल्दी म्यूटेशन भी कर रहा है, और ये वायरस में जो म्यूटेशन हो रहा है खतरनाक ये इसलिए भी तक जा सकता है कि ये नया वायरस फिर बन सकता है जो ह्यूमन में जा सकता है। ये 2005 में साइंटिस्ट ने ये डॉक्यूमेंटेड रिसर्च पेपर है, और चाइनीज को और साइंटिस्ट को ये पता था 2005 में, आज से 15 साल पहले, कि इस तरह के वायरस आ सकते हैं। तो आप ये मत सोचिए कि साहब ये वायरस अभी 2019 में आया है और 2020 में आया है, अचानक आ गया और नया नया आ गया और इसने आकर के हमारे ऊपर हमला बोल दिया, हम क्या करें? ऐसी बात नहीं है। चाइनीज अगर चाहते तो पहले से इन सब चीजों को सोच सकते थे। और 2015 में देयर इज ए रिसर्च पेपर फ्रॉम द सेम इंस्टीट्यूट, 2015 में जो डायरेक्टर थी वहां की ली जिंगली, उसने रिसर्च पेपर पब्लिश किया है, और अनफॉर्चुनेट बात यह है कि अब वो जी लिंगली जो डायरेक्टर थी वो 3 महीने से मिसिंग। एक वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जो वर्ल्ड का टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है, उसकी डायरेक्टर 3 महीने से मिसिंग है, नोबडी नोज, इवन चाइनीज आर नॉट टेलिंग इट, तो देयर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग। 2015 में ही उसने ये कहा था कि ये जो सार्स कोवी 2 जो वायरस आजकल आप देख रहे हो, उस समय उसने कहा था कि एक सार्स कोवी 1, सार्स कोरोना वायरस 1 वायरस जो है इसमें से बैट्स में से निकल के जा रहा है और ह्यूमंस के अंदर जा रहा है, और उसका जीनोम और इस सार्स कोवी 2 का जीनोम ऑलमोस्ट सिमिलर है, मोर देन 96% उसके अंदर सिमिलर है। तो चाइनीज गवर्नमेंट को यह बात 2015 में ही पता थी कि बैट्स जो हैं ये एक ऐसे एनिमल्स हैं कि अगर इनकी जिंदगी तुमने खतरे में डाली और इस समय तुमने इनको ठीक से कंट्रोल नहीं किया तो इन पर से बीमारी बहुत जल्दी ही ह्यूमन के अंदर आने वाली है। ठीक है, बात क्लियर? तो ये बात मैं आपको बहुत इसलिए समझाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि ये कहना के साथ चाइनीज का कोई दोष नहीं है या चाइना गवर्नमेंट बड़ी नीट एंड क्लीन है और WHO ने उसको एक क्लीन चिट दे दी तो वो अच्छा है, नो। दूसरी बात मैं अब आता हूं आपके इस चीज पर कि जो ये कोरोना वायरस 2 है, सार्स कोवी टू चाइना के अंदर सितंबर 2019 में ही रिपोर्ट हो चुका था। दिस इज ऑल्सो ए डॉक्यूमेंटेड रिपोर्ट, दिस इज इन द पब्लिक डोमेन, देर आर द एविडेंस। लेकिन चाइना गवर्नमेंट बार बार ये कह रही है कि साहब ये तो हमारा आउटब्रेक जो था वो दिसंबर 2019 के अंदर आया। चलिए साहब हमने मान ली कि दिसंबर 2019 के अंदर आया, दिसंबर 2019 में इन मिड ऑफ द दिसंबर चाइनीज गवर्नमेंट को पता था कि ये वायरस मेन से मेन में ट्रांसफर हो रहा है, मेन से मेन में ट्रांसमिट हो रहा है, और वुहान सिटी जो था ये सबसे पहला सिटी था जहां पर इसकी आउटब्रेक नोट की गई। तो अब क्वेश्चन ये है कि चाइना ने जब मिड ऑफ दिसंबर में उसको ये पता था कि साहब ये मैन टू मैन इसका ट्रांसमिशन है, डेंजरस वायरस है, तो चाइना ने तभी जब क्रिसमस टाइम था उस समय फ्लाइट्स वुहान में आने जाने के लिए रोकी क्यों नहीं? अगर वुहान से फ्लाइट ना आने देते ना जाने देते तो वर्ल्ड में ये वायरस नहीं फैलता। आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन कि इसके लिए मिसमैनेजमेंट तो चाइनीज गवर्नमेंट ने किया है, जिसके लिए चाइना सरकार जो है वो इसके लिए जिम्मेदार है, और चाइनीज साइंटिस्ट ने इस बात की वार्निंग बहुत क्लियरली दे दी थी कि दिस इज ए अनकंट्रोलेबल वायरस एंड इट मे स्प्रेड एंड इट स्प्रेड विल बी फ्रॉम मैन टू मैन। और US जो कहता है कि साहब इसको चाइना वायरस कह दिए जाए, मुझे तो कोई इसमें आपत्ति नहीं है, चाइना वायरस कह देना चाहिए था जब हमने स्पेनिश फ्लू, मार्बर फ्लू, मार्बर वायरस, स्पेनिश वायरस, जब हमने ये ऐसे ऐसे नाम पहले भी दे रखे हैं, तो अब इसको देने में क्या दिक्कत थी, जबकि ये पूरे वर्ल्ड में फैल चुका है, तो दिया जा सकता था।
लेकिन हमारी WHO ने क्यों इसको सपोर्ट किया, क्या बात की, मैं आई एम नॉट ए पॉलिटिशियन तो मैं उस चीज को नहीं लेकर के आऊंगा, लेकिन एज साइंटिस्ट आई एग्री के दैट इसको जो है चाइना वायरस नाम दिया जा सकता था, लेकिन इसको सार्स कोविड 2 दे दिया, कोविड 19 इसका डिजीज का नाम दे दिया। एनीवे चलिए, क्योंकि अब हम आते हैं आगे, इसका साइज क्या है। अगर हम पूरे साइज का, मैंने एक ये चार्ट लिया है कहीं से ये, और इसमें आप देखें तो रिलेटिव साइज है सारी सेल्स का, और करीब करीब ये जो फ्लू वायरस है, फ्लू वायरस दिस इज ए वन ऑफ द लार्ज वायरस, काफी बड़ा वायरस होता है, लार्ज वायरस है, और उसी तरह का ये कोरोना वायरस भी है। ठीक है, अब आप आ जाइए कि ये इमरजेंस कैसे हुई। हमने बैट्स को खाना शुरू किया, और एक दूसरा एक एनिमल और है पेंगोलिन, दिस इज ए स्मॉल मैमल, बड़ा शाही होता है, बहुत शर्मीला जानवर होता है, और इसके अंदर भी ये वायरस देखा गया है, इसके अंदर और इसके बैट्स पैड्स में, यहाँ यहाँ ये वायरस रहता है, और इसके अंदर ये जो इसके शेल हैं इसके अंदर ये वायरस रहता है। अब हमने इन जानवरों को खाना शुरू कर दिया, इनको बेचना शुरू कर दिया, इनको वाइल्ड एनिमल्स की तरह शुरू कर दिया, और इनका मीट भी कच्चा खाना शुरू कर दिया, दिस इज ए हैबिट ऑफ द चाइनीज पीपल। तो वहां से ये वायरस जो है जंप कर गया इन द ह्यूमन, ह्यूमन के अंदर ये वायरस जंप कर गया। तो जो इमरजेंस हुई है, दिस इमरजेंस इज मोस्ट सस्पेक्टेड, 99% द पीपल साइंटिस्ट आर ऑफ द ओपिनियन दैट दिस हैज इमर्ज्ड फ्रॉम बैट्स एंड पेंगोलिंस, एंड देयर एग्जिस्टेंस वॉज इन डेंजर, द चाइनीज पीपल दे वर ईटिंग इट, एंड देयर फोर टू सर्वाइव themselves, ये अपने बैट से उड़ करके ह्यूमन के अंदर आ गए। दैट इज द सिंपल थ्योरी विच इज एक्सेप्टेबल बाई मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट। अब मैं आपको कहता हूं कि ये क्यों ट्रांसमिट होते हैं, उस पर क्वेश्चन पे आता हूं, ये होते क्यों हैं, क्यों जाते हैं, भाई जियो और जीने दो, जीना तो जिंदा तो इन्हें भी रहना है, दे विल ऑल्सो फाइंड सम होस्ट, दे विल ऑल्सो फाइंड सम होस्ट। तो इन्होंने होस्ट जो है, क्योंकि बैट को हमने खाया, बैट हमारे ज्यादा कॉन्टेक्ट में आई, और तो यहीं से जो हमारा वायरस था उसने म्यूटेशन किया और उसने चेंज कर लिया अपने ह्यूमन में रहने के लिए, कि ठीक है भाई हम तुम्हारे पास रह रहे हैं और तुम से चले। तो दैट इज द थिंग दैट हाउ इट हैज इमर्ज्ड। नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द कोरोना वायरस। ये जो आपको प्रोटीन की कैप्सोमियर्स, प्रोटीन की सेल दिख रही है, स्पाइक्स दिख रहे हैं, दीज स्पाइक्स, ये स्पाइक्स जो है जो येलो से दिखा रहे हैं, ये स्पाइक्स रेस्पॉन्सिबल हैं कि जब ये जाते हैं तो हमारी जो सेल्स हैं, हमारी सेल्स से ये बाइंड करते हैं, और जो सेल्स से हमारी बाइंड करती हैं वो ACE2 सेल्स और RMP2 सेल्स, दी जाता टू सेल, दो डिफरेंट तरह की सेल हैं, तो ACE2 सेल जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसको बाइंड करने के। यहां से ये प्रोटीन की सेल्स इससे बाइंड करती हैं, जब बाइंड कर देती हैं तो उसके बाद इनका रोल खत्म हो जाता है, फिर ये न्यूक्लिक एसिड ये निकल करके सेल के अंदर चला जाता है, यहां से ये न्यूक्लिक एसिड है, ये न्यूक्लिक एसिड ये निकल करके सेल के अंदर चला जाता है, और जब ये सेल के अंदर जाता है तो सेल के अंदर जाकर के ये मल्टीप्लाई करता है, और सेल की जो होस्ट की जो मशीनरी है उसको हाईजेक कर लेता है, उससे कहता है कि भाई अब तुम अपना काम बंद करो और जो मैं कहूं वो करो, और सेल से कहता है कि नाउ यू सिंथेसाइज द प्रोटीन्स व्हाट आई नो व्हाट आई वांट। तो उसका एंजाइमेटिक सिस्टम सेल का, उसका सारी मशीनरी को ये यूज करता है, और फिर अपनी प्रोटीन जो है इससे सिंथेसाइज कराता है, और फिर न्यू वायरस फिर ऐसा ही बन जाता है, और जब ये न्यू वायरस की प्रोजेनी बन जाती है तो वो सेल मर जाती है, और सेल में से बर्स्ट होकर के वायरस फिर निकल जाता है, निकल कर फिर नई सेल्स को इन्फेक्ट करता है। तो दिस इज द होल हिस्ट्री दैट हाउ दिस वायरस इट इफेक्ट। सो तो अब सवाल क्या है कि अगर हम किसी तरह से ये जो प्रोटीन की कैप्सोमियर्स हैं इनको हम इनइफेक्टिव बना दें, तो या हम इस वायरस ये न्यूक्लिक एसिड इसको इनइफेक्टिव बना दें, या हम इसकी स्ट्रक्चर किसको डिसमेंटल कर दें। तीन हमारे पास वे हैं कि इनमें से कोई भी एक काम कर दें तो हम ये वायरस जो है ये हमें नुकसान पहुंचाना बंद कर देगा। जो हम एल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर की बात करते हैं, जो एल्कोहल बेस्ड आता है, वो एल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर ये यहां जो लिपोप्रोटीन लेयर है, ये जो दिख रही है, ये लिपोप्रोटीन लेयर को जो है इसको
डिसॉल्व कर देता है। जब इसको डिसॉल्व कर देता है तो वायरस की स्ट्रक्चर ये अलग हो गई, ये अलग हो गई। अब जब प्रोटीन अलग हो गई, न्यूक्लिक एसिड अलग हो गया, तो इसका काम खत्म। या हम सोप इस्तेमाल कर सकते हैं, सोप इस्तेमाल करते हैं तो सोप जो है ये प्रोटीन की लेयर्स में भी और इस पर भी, दोनों पर काम करता है। इसलिए सोप का इस्तेमाल जो है ये बेटर है एल्कोहल से। सोप जब हम इस्तेमाल करते हैं फॉर 10 to 15 seconds, 20 seconds, तो उसमें ये डिजोल्व हो जाती है और डिजोल्व होकर के कोरोना वायरस की स्ट्रक्चर डिसमेंटल हो जाती है। इसके अलावा आप नमक का पानी, नमक का घोल 1% नमक का घोल भी आप यूज कर सकते हैं। नमक का घोल जो है वो एल्कलाइन होगा और वो भी इन प्रोटीन जो स्ट्रक्चर है इनको खत्म कर सकता है। फिटकरी भी आप यूज कर सकते हैं। तो आप नमक का पानी और फिटकरी दोनों डाल करके आप गरारे करेंगे तो गले में जहां से इन्फेक्शन होने वाला होता है वो इन्फेक्शन आपको नहीं होगा। दिस इज द थ्योरी। अब इसका स्प्रेड कैसे होता है? इसका स्प्रेड जो होता है वो दो चीजें हैं, एक एयर ड्रॉपलेट है और एक एरोसॉल है। जब हम बोल रहे हैं, जब मैं जोर से लाउडली बोल रहा हूं तो लाउडली बोलने में क्या है कि मेरे मुंह से कुछ जो है ड्रॉप्स निकल रही है। जो मेरे मुंह से ड्रॉप्स निकल रही है दीज आर एयर ड्रॉपलेट्स, और इन एयर ड्रॉपलेट्स के अंदर वायरस भी साथ में जा रहा है। और अगर कोई आदमी खड़ा है मेरे सामने जब मैं बोल रहा हूं तो वो वायरस जो है एयर ड्रॉपलेट्स के थ्रू उसके अंदर सांस के थ्रू जा सकता है। तो दिस इज द कॉमन मोड ऑफ द कंटेमिनेशन और कॉमन मोड ऑफ द इन्फेक्शन। एरोसोल क्या है? एरोसोल जो है उससे बारीक, उससे बहुत छोटी छोटी टाइनी ड्रॉपलेट्स हैं, टाइनी ड्रॉप्स हैं, और ये आपके जब सांस ले रहे हैं आप, तो अगर आप नोज अगर आपकी इन्फेक्टेड है, ये नोज इन्फेक्टेड है, तो इसमें से निकल करके आ रहे हैं। तो दैट इज वाई मास्क इज नेसेसरी। जब हम मास्क पहन रहे हैं तो मास्क पहनने से क्या है कि अगर आप इन्फेक्टेड हैं या आप एसिम्प्टोमेटिक है, मैं उस पर भी आऊंगा, तो अगर आप इन्फेक्टेड है तो आपके मुंह से जो एयर ड्रॉपलेट्स निकल रही है या सांस से जो एयर एरोसोल निकल रहे हैं, ये एरोसोल निकल के जिसके अंदर वायरस है वो एयर में नहीं जाएगा और आपके सामने जो आदमी खड़ा है उसको इन्फेक्शन नहीं होगा। और जब आपने पहन रखा है तो आप जो पहन रखा है, तो अगर मान लो कुछ आ भी गए हैं सामने से, तो जब आप उसको फिल्टर करके ले रहे हैं तो वो आपके श्वास में, आपकी नली में नहीं जाएगा। तो दिस इज द इफेक्ट ऑफ द मास्क। मास्क को पहनने से आप 80% आपकी सुरक्षा हो जाती है। अब आप मेरे से क्वेश्चन पूछेंगे साहब कि 6 feet का डिस्टेंस क्यों? ये कहां से आ गया 6 feet? कहां से लक्ष्मण रेखा आ गई कि 6 feet कर दिया? 6 feet का डिस्टेंस इसलिए क्योंकि एयर ड्रॉपलेट और एरोसॉल, इनका जो नॉर्मल डिस्टेंस है, नॉर्मल जब एयर नहीं चल रही है, हवा जब नहीं चल रही है, अगर हवा चल रही है तो दे कैन ट्रेवल मोर, अगर हवा नहीं चल रही है, नॉर्मली अगर बैठे हैं तो ये जो है 6 feet तक दूर जा सकती है। जब हमने छींका, खूब जोर से छींका, या जब हम बोल रहे हैं तो हमारे बोलने से या छींकने से दे कैन ट्रेवल द डिस्टेंस ऑफ 6 feet। इसलिए आप 6 feet की दूरी पर आप रहिए, 6 feet से ज्यादा की दूरी पर रहिए, मास्क पहनिए, मास्क पहन रहे हैं और 6 feet की दूरी आप मेंटेन कर रहे हैं तो आप 90% आप सेफ है, 90% यू आर सेफ। अब इसकी प्रिवेंशन क्या है कि प्रिवेंशन करने के लिए आप हाइजीन करें, मास्क जो मैंने आपको बताया कवर करके रखें आप नोज को, सोशल डिस्टेंसिंग करें और अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रेंथ करें। इम्यूनिटी स्ट्रेंथ पे मैं आऊंगा, कैसे इम्यूनिटी स्ट्रेंथ कर सकते हैं। अब ये सिम्टम्स क्या है इसके? एक तो आजकल आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है कि इसमें एसिम्प्टोमेटिक बहुत लोग हैं। अगर आप मेरी फेसबुक पेज देखेंगे तो मैंने 24 मार्च को ही ये लिख दिया था अपनी फेसबुक पेज पर कि हिंदुस्तान के अंदर 60 to 70% पॉपुलेशन विल बी एसिम्प्टोमेटिक। एसिम्प्टोमेटिक का मतलब क्या है कि इनमें सिम्टम दिखाई नहीं देंगे लेकिन ये इन्फेक्टेड होंगे, और जब ये इन्फेक्टेड होंगे तो आपको तो पता नहीं है क्योंकि सिम्टम तो उसमें दिख नहीं रहे, आप उससे बात कर रहे हो तो इन्फेक्शन तो उसके अंदर है। जब वो बात कर रहा है तो एयर ड्रॉपलेट्स और एरोसोल उसकी जा रही है आपके पास और आप अनअवेयर बैठे हुए हो तो वो आपको इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं, तो दे आर द कैरियर। इसलिए मास्क लगाना आपको जरूरी है, और चाहे वो आप ये इसलिए आपको मास्क लगाना जरूरी है सो दैट के यू कैन नो कि अगर कोई एसिम्प्टोमेटिक आदमी है, एसिम्प्टोमेटिक है जिसके सिम्टम्स नहीं है, तो उससे भी आप कंटेमिनेट ना हो।
दूसरा मेजर सिम्टम्स इसके क्या है, ड्राई कफ, हेड एक, हाई फीवर, टायर्डनेस एंड शॉर्टनिंग ऑफ ब्रेथ, शॉर्टनिंग ऑफ ब्रीथ, ये आपका लास्ट और एक्यूट सिम्टम है। जब आपकी ब्रीथ जो है शॉर्टनिंग होनी शुरू हो जाए, आपको जल्दी जल्दी सांस लेना पड़े, तो आप समझिए कि इसका मतलब जो है अब आप जो है एक्यूट स्टेज में चले गए। और उससे होता क्या है कि आपकी जो ऑक्सीजन लेवल है ब्लड के अंदर वो कम हो जाती है, और जब ब्लड के अंदर ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है तो बाकी जो ऑर्गन्स हैं आपके वो काम करना बंद कर देते हैं, और जिसकी वजह से आप क्रिटिकल कंडीशन में चले जाते हैं। वेंटिलेटर इसका सॉल्यूशन कुछ लोग कहते हैं, लेकिन जो साइंटिस्ट की और मेडिकल एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट्स आ रही हैं, वेंटिलेटर की जगह जैसे ही आपकी ऑक्सीजन लेवल कम होना शुरू हो ब्लड लेवल के अंदर, तभी आप एक्सटर्नल ऑक्सीजन लेना शुरू कर दें, सो दैट योर ऑक्सीजन कैन बी ऑक्सीजन ऑफ द ब्लड कैन बी रिमेन यूनिफॉर्म। क्रिटिकल सप्लाई आप समझते हैं कि अगर 40 या 50 से कम चली जाती है तो देन इट इज ए क्रिटिकल लेवल होता है। तो 90 और अबव 90 इज द नॉर्मल। तो जैसे 90 70 के आसपास आए, 60 के आसपास आए, तो देन यू शुड स्टार्ट टेकिंग द एक्सटर्नल ऑक्सीजन, तो फिर उससे जो है आपकी रिकवरी हो जाएगी। दिस इज द स्ट्रेटेजी दैट हाउ The good medical experts they are managing this disease. Diagnosis क्या है इसकी? Diagnosis के लिए आपने देखा है कि एक तो RT-PCR technique है, और दूसरी एक technique, क्योंकि BSc के बहुत सारे students मुझे बताया गया कि वो हैं, तो मैं एक basic चीज आपको समझाना चाहता हूँ सभी को कि RT-PCR और ये एक antibody test system, दो तरह के test system हैं जो market के अंदर या world के अंदर आए हैं। एंटीबॉडी वाला टेस्टिंग जो सिस्टम है ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं। उसका ना इफेक्टिव होने का रीजन ये है कि एंटीबॉडीज इसके केस के अंदर बहुत लेट स्टेज पर बनती है। तो अर्ली स्टेज में अगर डिजीज है, और डिजीज आपकी है जब आपको शुरुआत हुई है, 30-40% अगर आपका इन्फेक्शन है, 30% अगर आप इन्फेक्टेड हैं, आपके डैमेज 30% शुरू हो गया है, तो 30% तक जब इन्फेक्शन है तो एंटीबॉडीज इतनी सफिशिएंट नहीं है कि वो आपकी बॉडी के अंदर उसको डिटेक्ट कर सके। तो एंटीबॉडी वाला जो टेस्ट है ये स्क्रीनिंग के लिए तो ठीक है, लेकिन ये कोविड पॉजिटिव है या कोविड नेगेटिव है उसके लिए ठीक नहीं। अब जो आता है टेस्ट RT-PCR, PCR ये मॉलिकुलर डायग्नोस्टिक टेस्ट है। इसमें क्या होता है कि इसमें हम न्यूक्लिक एसिड की कंसंट्रेशन टेस्ट करते हैं, और इसमें क्या है कि ये है आरएनए, तो आरएनए तो पीसीआर में मल्टीप्लाई करता नहीं है, तो आरएनए का पहले हम कन्वर्ट करते हैं डीएनए के अंदर, डीएनए के फिर हम साइकिल चलाते हैं पीसीआर के अंदर, डीएनए को मल्टीप्लाई करते हैं, और डीएनए को मल्टीप्लाई करने के बाद फिर डीएनए को उसको प्योरीफाई करते हैं, प्योरीफाई करने के बाद फिर इसका सीक्वेंस करते हैं, और सीक्वेंस में फिर हम उसको रीमैच करते हैं कि जो आरएनए था उससे ही कितना मैचिंग कर रहा है, और फिर जाकर के तो इसमें करीब करीब 4 घंटे मिनिमम लगते हैं इस टेस्टिंग में, जबकि हमारी ऑटोमेटिक मशीन होगी, और फास्ट जब हम सिस्टम करेंगे देन इट विल टेक मिनिमम 4 आवर्स, और 4 आवर्स में ये टेस्ट आपका हो जाएगा। हालांकि अब कुछ और भी मशीन आनी शुरू हो गई है, और वो मशीन है वो आपको बता देंगे। लेकिन अब आपने पिछले दिनों में एक बहुत सारी ये रिपोर्ट सुनी होंगी कि जो एक बार कोविड से इन्फेक्टेड हो गया, इन्फेक्शन के बाद जब उसका टेस्ट लिया गया तो वो फिर पॉजिटिव आ गया, ये आप लोगों ने सुनी है, न्यूज़पेपर के अंदर आती है, टीवी चैनल वाले रोज बताते रहते हैं साहब के वो जो कोविड से बन करके आए, बच करके आए, सब कुछ होकर के आए, ठीक होकर के आए, उनके सिम्टम चले गए, लेकिन वो पॉजिटिव क्यों होते हैं RT-PCR से? वो पॉजिटिव इसलिए होते हैं क्योंकि RT-PCR जो टेक्निक है हमारी, ये BSc के स्टूडेंट्स के लिए मैं खास तौर से बताना चाहता हूं कि जब भी आपसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जाए RT-PCR, तो ये या मॉलिकुलर टेक्निक कोई भी पूछी जाए, कोई भी मॉलिकुलर डायग्नोस्टिक टेक्निक पूछी जाए, तो मॉलिकुलर डायग्नोस्टिक टेक्निक्स का ये एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि कोई भी मॉलिकुलर डायग्नोस्टिक टेक्निक हमें ये नहीं बताती कि ये जो डीएनए या आरएनए है ये जिंदा है या मरा हुआ है, वो हमें खाली अमाउंट बताती है। तो इसीलिए जब आदमी ठीक होकर के आ गया, तो ठीक होकर आने के बाद
उसकी बॉडी के अंदर वो आरएनए तो पड़ा हुआ है, आरएनए को तो खत्म होने में टाइम लगेगा, इट मे टेक मंथ्स, इट मे टेक टू मंथ्स, इट मे टेक थ्री मंथ्स, तो दो महीने तीन महीने चार महीने तक वो पॉजिटिव ही आता रहेगा, क्योंकि वो तो आरएनए बता रहा है, वो आरएनए डेड है, इन्फेक्टिव नहीं है, क्योंकि सेल है, सेल के अंदर जब इन्फेक्शन हो गया और सेल जब मरी और सेल जब मर के वो बाहर निकली और जो आरएनए है वो भी मरा हुआ है, तो मरा हुआ तो जो हम टेस्ट कर रहे हैं टेक्निक से, तो टेस्ट में तो वो रिजल्ट देगा ही ना कि इतना अमाउंट पड़ा हुआ है। तो इसलिए आप जो है ये जो टेक्निक है इट इज फॉर द इनिशियल डायग्नोसिस और बाद में ये पॉजिटिव रिजल्ट भी देगी ये। और जो इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट है, इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट और मॉलिकुलर टेस्ट दोनों की अपनी अपनी डिसएडवांटेज है। इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट कभी कभी क्या होता है कि इतने ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, जैसे एलाइसा टेस्ट है, बीएससी के स्टूडेंट ने देखा होगा कि एलाइसा टेस्ट जो है इतने सेंसिटिव है कि अगर एक मॉलिक्यूल भी है पड़ा हुआ तो उसको भी वो पॉजिटिव दिखा देगा, फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट। अब अगर हम इसी के अंदर कोरोना वायरस के अंदर हम एलाइसा टेस्ट करना शुरू कर दें तो पूरे वर्ल्ड का हर आदमी आपको इन्फेक्टेड मिलेगा, बट एक्चुअली वो इन्फेक्टेड नहीं है, क्योंकि अगर दो चार पांच वायरस मेरे बॉडी के अंदर चले गए हैं छोटा मोटा है, तो मेरी बॉडी उसको खत्म भी कर रही है, मेरी बॉडी उसको रेसिस्ट करके बाहर निकाल रही है। जैसे छींक आना है, छींक जो आती है, छींक आना ये बीमारी नहीं है, छींक आना दिस इज द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। जब नाक के अंदर आपके अंदर यहाँ बैक्टीरिया आ गया, कोई भी पार्टिकल फॉरेन पार्टिकल आ गया, तो फॉरेन पार्टिकल को बाहर फेंकने के लिए बॉडी रिएक्ट करती है, दिस इज द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी, ये ऑफेंस मैकेनिज्म नहीं है। बहुत सारे लोगों को आपके यहाँ पता नहीं होगा कि छींक आने का मतलब है कि आप समझ रहे हो कि बीमारी बढ़ रही है, नो, जितनी ज्यादा छींक आ रही है वो आपका बीमारी उतनी बाहर निकल रही है, वो बैक्टीरिया वो माइक्रोब वो जो इन्फेक्शन है वो बाहर निकल रहा है छींक के द्वारा, जो 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 इनोकुलम है। तो इसलिए ये जो सारी चीजें हैं आपको बेसिक जो है समझना बहुत जरूरी है। तो जो एलाइसा टेस्ट है, तो जितनी भी टेस्टिंग है, टेस्टिंग सिस्टम, कोई भी टेस्ट जो है आज की डेट में किसी का भी कोई भी टेस्ट कंफर्म 100% फाइनल नहीं होता। देर आर ड्रॉबैक्स, देर आर डिसएडवांटेज ऑफ एवरी टेस्ट, देर आर एडवांटेज ऑफ एवरी टेस्ट। तो अभी भी क्या है कि जो क्लिनिकल डायग्नोसिस है, जो सिम्टम्स से डॉक्टर डायग्नोस करता है, दैट डायग्नोसिस इज स्टिल द गोल्ड स्टैंडर्ड, स्टिल द बेस्ट। डॉक्टर को पता होता है, डॉक्टर को पता होता है, कई बार अच्छे डॉक्टर्स को पता होता है कई बार कि जो टेस्ट वो करा रहा है उस टेस्ट से उसको कुछ नहीं मिलने वाला, उसको डायग्नोसिस पहले ही पता होती है कि आपको क्या बीमारी है। टेस्ट तो वो आपके सेटिस्फेक्शन के लिए, जिससे कि वो जो है कल को कोई केस हो तो केस में फंसे ना। यस, एनी क्वेश्चंस? एनी क्वेश्चन? नो, मतलब हमारे चैट में इसको अवॉइड कैसे करें, करने के लिए, प्रिवेंशन करने के लिए मास्क पहनिए, हैंड्स को फ्रीक्वेंटली वॉश कीजिए, अवॉइड कॉन्टेक्ट विद द एनिमल्स, डू नॉट कंज्यूम रॉ मील्स, रॉ फूड या रॉ मील्स भी मत खाइए, आप वेजिटेबल्स भी रॉ मत खाइए, आइसक्रीम मत खाइए, आइसक्रीम इज वेरी इन्फेक्टिव, अवॉइड डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द सस्पेक्टेड पेशेंट, ऑब्जर्व गुड पर्सनल हाइजीन, हाथ साफ करते रहिए, डिसइंफेक्टेंट यूज करिए, कफिंग करते हैं आप तो आप डायरेक्टली उसको जो एक सेकंड जरा डॉक्टर मैं आपको कॉल बैक करता हूं, मैं उस पे लेक्चर पे हूं। तो कंसल्ट ए डॉक्टर अगर आपको प्रॉब्लम है तो। अब आते हैं कि इन्फेक्शन एनिमल से ह्यूमन में क्यों आते हैं, तो मैं क्वेश्चन आपको ये रेज कर रहा था। 1.7 मिलियन अनआइडेंटिफाइड वायरस हैं जो एनिमल के अंदर आज भी रहते हैं, 1.7 मिलियन, जस्ट यू थिंक, ए लार्ज नंबर ऑफ वायरस। अब जब आप इन एनिमल्स को खाएंगे या इन एनिमल्स की पॉपुलेशन को कम करेंगे या इन एनिमल्स की स्पीशीज को एक्सटिंक्ट करेंगे तो बेचारे कहां जाएंगे, जिंदा तो इन्हें भी रहना है, कंसेप्ट तो यही है, जियो और जीने दो,
ये धरती माँ तो इनकी भी है, इस धरती को बनाने में, इस अर्थ को बनाने में इनका योग भी दान भी तो है, इन्हीं के थ्रू ये बायोस्फीयर बना है। तो हाउ यू नाउ थिंक के भाई ये कहीं और चले जाए, ये मर जाए और हम जिंदे रहें? नो, दे विल ऑल्सो लिव हियर। एवरी स्पीसीज ऑन दिस अर्थ हैज द राइट टू लिव, एवरी स्पीसीज ऑन दिस अर्थ हैज द राइट टू ईट, राइट टू सर्वाइव। सो डोंट किल, ट्राई टू जस्ट मैनेज। तो जो डिफॉरेस्टेशन आप कर रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी लॉस कर रहे हैं, तो जितनी आप बायोडाइवर्सिटी लॉस कर रहे हैं, जितना आप फॉरेस्ट काट रहे हैं, उतना ही ये हमारे लिए डेंजरस होते जा रहे हैं। इसलिए ट्राई टू मेंटेन ए बैलेंस। और एक जीडीपी, हम एक बहुत कहते हैं साहब, अगर हम फॉरेस्ट नहीं काटेंगे, हम एनवायरमेंट ये नहीं करेंगे, तो हमारा डेवलपमेंट कैसे होगा? आई विल गिव यू ए कंप्लीट प्रोटोकॉल कैसे अब डेवलपमेंट होता है। Try to make a balance between nature, health and economy. Nature, health और economy में जब आप balance create करेंगे, then only you can have a good sustainable life. And now the scientists, they have calculated कि अगर environment के protection पर अगर आप $1 खर्च करते हैं, तो आपको nature $9 वापस करती है, 9 times back. तो इसलिए invest on the environment, invest on the nature, invest on the protection of the biodiversity, and then it will return you back. Now, मैं आता हूं कि biodiversity है क्या? 8.7 million eukaryotic species हमारी अर्थ पर हैं। आपने बहुत सारे लोग जो हैं, जैसे बीएससी के स्टूडेंट हैं, एमएससी के स्टूडेंट्स हैं, आप देख रहे होंगे कि बहुत सारी टेक्स्ट बुक में आपको लिखा मिलेगा कि 3 से लेकर 100 million तक स्पीसीज जो है प्लेनेट पर हैं। लेकिन ये जो एक वास्ट डिफरेंस था, नाउ साइंटिस्ट ने जो न्यू टेक्निक्स हैं, बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, प्रोटियोमिक्स है, जीनोमिक्स है, इन न्यू टेक्निक्स का इस्तेमाल करने के बाद पूरे बायोस्फीयर में नाउ इट हैज बीन फाउंड दैट अबाउट 8.7 million यूकेरियोट्स हैं। सो दिस इज द नाउ लेटेस्ट इंफॉर्मेशन जो मैं बीएससी के स्टूडेंट हैं उनको बताना चाहता हूं। और इनमें से 1.4 मिलियन स्पीसीज जो हैं वो खाली एग्जामिन की गई है और उनको क्लासिफाई किया जाता है, उनके नाम दिए गए। 8.7 में से ओनली 1.4 मिलियन। सो इट मींस दैट 86% ऑफ द स्पीसीज स्टिल दे आर नॉट नोन, 90% ऑफ द मैरीन स्पीसीज आर नॉट नोन। तो स्टिल देयर इज लॉट ऑफ स्कोप इन बायोडाइवर्सिटी। मैरीन माइक्रोबायोलॉजी के अंदर, मैरीन साइंस के अंदर बहुत स्कोप है, और बायोडाइवर्सिटी के अंदर भी बहुत स्कोप है। माइक्रोबायोलॉजी के अंदर बहुत स्कोप है अभी पढ़ने लिखने का, समझने का, चीजों को आइडेंटिफाई करने का। अब बायोडाइवर्सिटी लॉस होती क्यों है? हैबिटेट लॉस, थिनिंग है, फ्रेगमेंटेशन है, हम इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, उससे खत्म हो रही है। इन्वेसिव स्पीसीज, आजकल आप देख रहे हो कि बहुत सारी नई नई हाइब्रिड स्पीसीज आ रही हैं, हाइब्रिड जेनेटिकल स्पीसीज आ रही हैं, वो हम मार्केट के अंदर लाते जा रहे हैं, तो उससे भी हमारी जो नेचुरल बायोडाइवर्सिटी है वो लॉस हो रही है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन, हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, जितनी हमें जरूरत है उससे ज्यादा हम जो है स्पीसीज को एक्सप्लॉयट कर रहे हैं। पॉल्यूशन इज द अनदर फैक्टर। हालांकि अब COVID-19 के अंदर ड्यूरिंग लास्ट 6 months द पॉल्यूशन लेवल हैज गॉन डाउन, और मैं तो इस बात का प्रपोज करता हूं कि पूरे साल में 1 महीने के लिए पूरे वर्ल्ड को बंद कर देना चाहिए। हर साल 1 महीने को पूरा वर्ल्ड को लॉकडाउन कर देना चाहिए, सो दैट के जो हम एनवायरमेंट को डिग्रेड कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, वो एनवायरमेंट 1 महीने में फिर क्लीन हो जाए। 1 महीने के अंदर सब बिल्कुल अंदर घर में बंद, जैसे कि अब 6 महीने के लिए थे, हर साल 1 महीने के लिए लॉकडाउन जो है ये शुरू किया जाए। क्लाइमेट चेंज हो रही है, उसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है। और सबसे बड़ा कारण है ह्यूमन पॉपुलेशन जो अर्थ के पास है, अर्थ पर है इस समय, दिस इज 7.5 बिलियन। और 7.5 बिलियन ह्यूमन पॉपुलेशन का अगर हम बायोमास निकालें, तो दिस बायोमास इज मोर देन एनी स्पीसीज ऑन दिस अर्थ। तो हमारा जो बायोमास है, इट इज मोर देन द बायोमास ऑफ द सेवरल अदर स्पीसीज। तो इम्बेलेंस हो गया है, इम्बेलेंस, डिसबेलेंस है, स्ट्रक्चर गड़बड़ा रही है। और जो साइंटिस्ट ने कैलकुलेट किया है, कैलकुलेशन से ये है कि इस धरती के ऊपर
ह्यूमन का बायोमास 3.5 बिलियन से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी हमारी पॉपुलेशन डबल है। इसको हाफ करिए, या तो आप खुद हाफ करिए, नहीं तो नेचर कोरोना लाइक वायरस लाएगी और कोरोना लाइक वायरस ला करके आपको नमस्ते करती रहेगी कि भैया या तो आप खुद सुधर जाओ और नहीं भाई मुझे तो सुधारना है ही। तो इसलिए भाई बायोडाइवर्सिटी को आप मेंटेन करिए, बायोडाइवर्सिटी को आप मेंटेन नहीं करोगे तो नेचर के पास बहुत अच्छे साधन है। अगर मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल देता हूं कि जो ये कोरोना वायरस है इसका जो वेट है, इसका वेट है 0.815 एटोग्राम, और 2 ग्राम वायरस इज एबल टू इन्फेक्ट 4 मिलियन पीपल। 40 लाख लोगों को जो है 2 ग्राम वायरस एनफ है। अब आप देखिए कि आपके करीब करीब 1 करोड़ लोग इन्फेक्ट हो चुके हैं, तो 5 ग्राम वायरस ने आपका 1 करोड़ लोगों को इन्फेक्शन कर दिया। ओनली 5 ग्राम एटम बम, हाइड्रोजन बम, न्यूक्लियर बम, जितनी एनर्जी की बात आप करते हो और जितनी साइंस की बात करते हो, जितना पैसा लगाते हो, और इस 5 ग्राम वायरस को अगर आप चाहें तो एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, छोटी एक टेस्ट ट्यूब है उस खाली एक टेस्ट ट्यूब के अंदर बना सकते हैं। एक जो एग सेल है, जो मुर्गी का अंडा है, एक मुर्गी के अंडे के अंदर आप 5 ग्राम वायरस को मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो आप सोच लीजिए कि एक मुर्गी के अंडे के अंदर नेचर इतना वायरस बना करके पूरी दुनिया को सही रास्ते पर ला सकती है। तो प्लीज 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 डू नॉट डिस्टर्ब बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने की कोशिश कीजिए, नेचर को मेंटेन करने की कोशिश कीजिए, अदरवाइज नेचर का जो प्रकोप है वो हम देख ही रहे। अब बायोडाइवर्सिटी क्या है? बायोडाइवर्सिटी का मतलब ये है कि लार्ज नंबर ऑफ दी स्पीसीज, डिफरेंट स्पीसीज। बायोडाइवर्सिटी का मतलब ये नहीं है कि आपने एक ग्रास लॉन बना लिया और आपने एक ग्रास लॉन बहुत बढ़िया बना लिया, बहुत अच्छा आपने लॉन बना लिया, बहुत अच्छा आपने मैंगो के ट्री लगा लिए, बहुत अच्छा आपने जो है खाली एक ही तरह का प्लांटेशन बना लिया। नो, दिस इज नॉट द राइट वे। इससे आप मोनोकल्चर कर रहे हैं, और मोनोकल्चर जो कर रहे हैं उससे क्या है कि बायोडाइवर्सिटी, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो है उनकी पॉपुलेशन खत्म हो रही है, और डिफरेंट ऑर्गेनिज्म्स की पॉपुलेशन खत्म होने की वजह से आप ये सारा झेल रहे हैं, सब कुछ झेल रहे हैं जो हम आज कोरोना वायरस में देख रहे हैं। तो इसलिए बायोडाइवर्सिटी, दैट इज लार्ज नंबर ऑफ द स्पीसीज, हर स्पीसीज का अधिकार है इस धरती पर रहने का, इस धरती पर खाने पीने का, रहने का, सहने का, हर स्पीसीज का अधिकार है। सो डोंट ट्राई टू किल एनीवन, ट्राई टू मेक ए बैलेंस। सो बायोडाइवर्सिटी जो इफेक्ट है, इसके ऊपर मैं आता हूं। देर आर, आई विल गिव यू ओनली फ्यू एग्जाम्पल्स, हालांकि देर आर थाउजेंड्स ऑफ एग्जाम्पल्स। जैसे वेस्ट नाइल डिजीज है, वेस्ट नाइल वायरस है, ये साइंटिस्ट ने देखा है कि वेस्ट नाइल वायरस जो है ये क्यूलेक्स पाइपियंस जो मॉस्किटो है उसके थ्रू होता है, और उसके थ्रू होता है तो ये उन जगह पर, अमेरिका के अंदर ये डिजीज मिलती है, उन जगह के अंदर ज्यादा पाया गया जहां पर एक ही तरह की बायोडाइवर्सिटी थी, एक ही तरह के ऑर्गेनिजम्स थे, एक ही तरह का इकोसिस्टम था, और जहां इकोसिस्टम डाइवर्स था, जहां पे इकोसिस्टम में बहुत सारी स्पीसीज थी, वहां पर ये वायरस नहीं है, जबकि वहां पर ये क्यूलेक्स पाइपियंस मॉस्किटो है और वहां पर ये बर्ड्स हैं जिसके थ्रू होता है। तो अब आप समझ लीजिए कि बर्ड्स भी है, मॉस्किटो भी है, लेकिन ये वायरस वहां पर डिजीज कॉज नहीं कर रहा है जहां पर बहुत सारे एनिमल्स हैं, बहुत सारे प्लांट्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द स्पीसीज हैं। सेम वायरस वहां पे डिजीज कॉज कर रहा है जहां पर जो बायोडाइवर्सिटी कम है, लेस है। तो ये क्लियर है कि बायोडाइवर्सिटी जहां पर ज्यादा होगी वहां पर डिजीज कम होगी। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल है लाइम डिजीज का। करीब 40 ईयर्स तक लोगों ने, साइंटिस्ट ने इसको पे पूरी रिसर्च की है, और रिसर्च करने के बाद यूएस के अंदर ये कंफर्म कर दिया है कि जहां पर बायोडाइवर्सिटी है वहां पर इसकी कंडीशंस रहते हुए भी ये डिजीज जो है वहां पर कम होती है। लॉस ऑफ, अब ये थ्योरी क्या, ये पूरा सिस्टम है जो साइंटिस्ट ने प्रपोज किया है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी लीड्स टू मोर इंफेक्शियस डिजीज। जब आप बायोडाइवर्सिटी लॉस होगी तो इससे इंफेक्शियस डिजीज ज्यादा होंगी, और खाली इंफेक्शियस डिजीज ज्यादा ह्यूमन के अंदर नहीं, प्लांट्स के अंदर भी, एनिमल्स के अंदर भी, लाइव स्टॉक के अंदर भी, वाइल्ड लाइफ के अंदर।
अगर स्पीसीज वाइड है, डाइवर्स हैं, बहुत तरह की स्पीसीज हैं, तो वहां पर डिजीज कम होंगी, और जब बायोडाइवर्सिटी कम हो जाएगी, नंबर ऑफ स्पीसीज कम हो जाएंगी, तो वहां पर डिजीज ज्यादा होंगी, वो प्लांट्स के अंदर भी, एनिमल्स के अंदर भी, वाइल्ड लाइफ के अंदर भी और ह्यूमन के अंदर। तो इसलिए ट्राई टू मेंटेन ए बैलेंस। क्लाइमेट चेंज की वजह से भी बायोडाइवर्सिटी लॉस होती है, हम तो कर ही रहे हैं। अब क्लाइमेट चेंज जो हो रही है, क्लाइमेट चेंज किस वजह से हो रही है, उसके लिए भी हम लोग रेस्पॉन्सिबल हैं। एवरी कंफर्ट इन द लाइफ इज क्रिएटिंग ए बर्डन ऑन द एनवायरमेंट। हम एसी चला रहे हैं, हम और बहुत सारी चीजें यूज कर रहे हैं, ये सारी जो है एनवायरमेंट के ऊपर बर्डन क्रिएट कर रहे हैं। जो मेरी एज के लोग हैं आप लोगों के साथ, वो ये जानेंगे कि 1970s के अंदर अगर हम छत पर सोते थे तो हमें पूरे तारे दिखाई देते थे, पूरा एनवायरमेंट क्लीन होता था। 1970s के बाद जो ये हमारी एक रेस चली है कंफर्टेबल लाइफ की, कंफर्ट लाइफ जोन की, कि हम एसी में रहना चाहते हैं, बहुत अच्छी चीज में रहना चाहते हैं, हमें हर चीज अच्छी अच्छी चाहिए, कंफर्टेबल लाइफ चाहिए, और कंफर्टेबल लाइफ की वजह से क्या है कि हमारे प्रेशर जो है एनवायरमेंट के ऊपर ज्यादा क्रिएट कर दिया है, और एनवायरमेंट के ऊपर जो ज्यादा प्रेशर क्रिएट किया है उसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी हमारी लॉस हो रही है, एनवायरमेंट हमारा लॉस हो रहा है, क्लाइमेट हमारी चेंज हो रही है, और क्लाइमेट चेंज होने की वजह से हमारी बायोडाइवर्सिटी हो रही है, उससे हमारे एनिमल्स के अंदर जो डिजीज है वो ह्यूमन के अंदर ट्रांसफर हो रही है, ट्रांसफर। दिस इज ए वेरी सिंपल थ्योरी, वेरी सिंपल एक्सपेरिमेंटल, एंड बाय डूइंग द मेनी एक्सपेरिमेंट द साइंटिस्ट हैव फाइनली प्रूव्ड इट। सो नाउ यू हैव टू डिसाइड कि आपको कंफर्टेबल लाइफ कम दिनों तक जीनी है या हार्श एंड हार्ड एनवायरमेंट के अंदर रह करके अपने अंदर इम्यूनिटी पैदा करके, अपने अंदर बॉडी में स्ट्रेंथ पैदा करके ज्यादा दिन जिंदा रहना। सो नाउ इट इज अप टू यू टू डिसाइड, कंफर्टेबल लाइफ और अनकंफर्टेबल लाइफ, लॉन्गर लाइफ और कंफर्टेबल लाइफ, शॉर्टर लाइफ, यू हैव टू डिसाइड। ह्यूमंस आर एट मोर रिस्क, ह्यूमंस मोर रिस्क पे है डिजीज। जैसे ही बायोडाइवर्सिटी डिसअपियर होती है तो रिस्क जो है ह्यूमन की पॉपुलेशन का, ह्यूमन के अंदर डिजीज का बढ़ जाता है। दिस इज ए फाइनल कंक्लूजन, बिकॉज के पैथोजेंस जो है उन पैथोजेंस को जिंदा रहने के लिए होस्ट खाली एक दो ही मिल पाते हैं, तो इसलिए वो उन पर ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। तो जब नंबर ऑफ स्पीसीज कम होती है तो उन नंबर ऑफ स्पीसीज के अंदर ही वो सारे के सारे बैक्टीरिया, सारे वायरस, सारे माइक्रोब, सारे प्रोटोजोन सब उसी के अंदर जो है डिजीज कॉज करना शुरू कर देते हैं, वो उसी तरह से म्यूटेशन कॉज कर लेते हैं, म्यूटेशन अपने अंदर इंड्यूस कर लेते हैं। ये नेचर, आप लोग सब साइंस के आदमी हैं, आपको पता है कि नेचर इज द टॉप मोस्ट जर्नल, दिसंबर 2019 की रिपोर्ट है, दिसंबर 2019 में ये 26,500 स्पीसीज जो हैं जो वो थ्रेटेंड है, एक्सटिंक्शन होने जा रही हैं, और ये ग्लोबल प्रॉब्लम है, और अगर हमने इसको सॉल्व नहीं किया, हमने बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व नहीं किया, तो देन कोरोना लाइक जो डिजीज है वो और आगे आती रहेंगी। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, ऐसा नहीं है, मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि ये साइंस का प्रिंसिपल है, फैक्ट है, नेचर का फैक्ट है। अगर आप बैलेंस खुद नहीं करोगे तो बैलेंस करना उसे नेचर को आता है। नेचर इज नॉट गोइंग टू डाई, आप नेचर से बड़े नहीं है, मैं नेचर से बड़ा नहीं, नेचर इज सुप्रीम। सो हेल्दी बायोडाइवर्सिटी इज एसेंशियल फॉर हेल्दी हेल्थ। अगर आपकी हेल्दी बायोडाइवर्सिटी है तो आपकी हेल्दी हेल्थ रहेगी। अब आपको बहुत से लोगों को पता भी है, कुछ को नहीं पता है, मैं सेक्शनल प्रेसिडेंट भी हूं एनवायरमेंटल साइंस का, इंडियन साइंस कांग्रेस का, इस सेशन के लिए। तो मैंने एक प्रपोजल दिया है और एक प्रपोजल मैं देने जा रहा हूं, और इस प्रपोजल को मैं सभी को बताता भी हूं, और सभी लोगों से आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इसके ऊपर सोचिए और आपके जो कमेंट्स हैं आप मुझे बताइए। मेरा एक सजेशन है कि जितने भी मकान हैं, जितने भी रेजिडेंस हैं, फैक्ट्री हैं, जो भी हैं, उन सबके अंदर 10-25% एरिया जो है वो आइडेंटिफाई किया जाए और उसके अंदर स्मॉल जंगल बनाए जाए, स्मॉल फॉरेस्ट। ये ग्रासलैंड लॉन जो हम बनाते हैं, ग्रासलैंड लॉन बनाने से बायोडाइवर्सिटी हमारी लॉस हो रही है। तो हमें ऐसे सिस्टम डेवलप करने पड़ेंगे। हम अगर अपने यहाँ जो गार्डन भी बना रहे हैं, हम अपने यहाँ अगर मान लीजिए जो हमारा टेरेस गार्डन है या हमारे यहाँ कोई गमले हमने लगा करके पौधे बना रखे हैं, तो मैं सबको ये एडवाइस करना चाहता हूँ कि आप एक ही तरह के पौधे ना लगाएं,
सब तरह के पौधे लगाए, बहुत सारे तरह के पौधे लगाए, उसमें एक आध ट्री भी लगाए और बहुत सारे सीजनल फ्लावर्स भी लगाए, सीजनल प्लांट्स भी लगाए, और भी प्लांट्स लगाए, पेरिनियल भी लगाए, एनुअल भी लगाए, सब तरह से उसको जंगल टाइप उसको बना गई, जंगल टाइप बनाई। ये मत सोचिए कि हम ब्यूटी ब्यूटी वाले प्लांट लगाएंगे, साइकस साली खाली लगाएंगे और साइकस लगा के या गुलाब लगा करके हम जो है बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। नो, वी आर लूजिंग द बायोडाइवर्सिटी। सो बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने के लिए मेरा एक सजेशन यही है, और ये मैं कह रहा हूँ सबको, प्रोपेगेट भी कर रहा हूँ, आप अपने अपने घरों में भी एक स्मॉल जंगल बनाइए, चाहे 100 square, 100 गज का ही बना लीजिए, 50 गज का बना लीजिए, 20 गज का बना लीजिए, एक एरिया आइडेंटिफाई करिए, उस एरिया आइडेंटिफाई करके उसमें सब तरह के प्लांट, सब तरह के चीजों को उसमें रहने देना चाहिए। किसी को भी मारिए मत, सबको जीने का अधिकार है, जियो और जीने दो, इस कंसेप्ट को लेकर के चलिए, तभी हमारी लाइफ जो है ज्यादा जिंदा रहेगी। अब मैं आता हूं, दूसरा पार्ट है मेरा, आउटब्रेक ऑफ कोविड-19। कोविड-19 की जो आउटब्रेक है, अब तक तो हमने उस पर आगे कैसे इमर्ज हुआ, क्या सारी चीजें हुई, इसकी आउटब्रेक क्या, मैं उस चीज पे नहीं आऊंगा कि मार्च में क्या हुआ, ये हुआ, मैं रिसेंट वाली बात कहता हूं, जब से लॉकडाउन का एक्सटेंशन शुरू हुआ। लॉकडाउन का एक्सटेंशन जो है, 1 मई में हमने लॉकडाउन को फर्दर एक्सटेंड किया 17 मई तक। ये सारी जो है लिस्ट है, ये मैं आप लोगों को शेयर भी कर दूंगा अपनी PPT, आप लोग देख लेना, स्टूडेंट्स के लिए पर्पज से मैंने खाली मोस्टली बनाई है, सो देट आप ये देख सकें कि जिस तरह से हमारी सरकार कहती रही। अच्छा, लॉकडाउन का फायदा क्या हुआ, आप लोग बहुत सारे कह रहे हो, सोच रहे होंगे लॉकडाउन का फायदा क्या हुआ, अब तो अनलॉकडाउन हो गया, और अनलॉकडाउन होते ही हमारी जो वो इन्फेक्शन रेट है वो बढ़ना शुरू हो गया, तो बहुत से लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन होगा, इसलिए मैंने ये चीज ली है लॉकडाउन वाली। लॉकडाउन में दरअसल क्या हुआ कि लॉकडाउन में हमने लोगों को ये सिखा दिया कि भाई अगर आपको इससे बचना है, जिंदा रहना है, इससे ठीक रहना है, तो आप मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करिए, और अपनी इम्यूनिटी को आप बढ़ाइए, पर्सनल हाइजीन मेंटेन कीजिए। ये 4-5 चीजें जो मोटी मोटी चीजें हैं वो हमने लोगों को समझा दी और लोगों की समझ में आ गई। अब अनलॉकडाउन, क्योंकि लॉकडाउन हम बहुत लंबे समय तक नहीं रख सकते, इसलिए अब सरकार ने अनलॉकडाउन कर दिया। तो अनलॉकडाउन करने पर अब सरकार ने कह दिया भाई हमने अब आपको समझा दिया है, सिखा दिया है, पढ़ा दिया है, आपको बता दिया है, अब आपको अपनी जिंदगी जो है इस हिसाब से जीनी है कि आप जो है इसके साथ रहना सीख लो, लर्न टू लिव विद दिस वायरस। ये वायरस कहीं जाने वाला नहीं है, ये आ गया तो यहीं रहेगा, ये धरती माँ इसकी भी है जैसे आपकी है, इसने भी इस धरती माँ को बनाने में कुछ सहयोग किया है, तो ये कहीं नहीं जाने वाला, यही रहेगा, तो अब आप इससे बच के रहना और इसके साथ रहना और इससे प्रोटेक्शन करना अपने आप सीख लीजिए, और नहीं तो भाई तैयार रहिए, सो यू हैव टू नाउ सेलेक्ट। तो इसलिए मैंने आपको ये बताया। और लॉकडाउन कोई पहली बार का सिस्टम नहीं है, अगर आप पूरी हिस्ट्री में उठा के देखेंगे तो 1918 के अंदर जब वर्ल्ड वार फर्स्ट में जब स्पेनिश फ्लू हुआ था, तो स्पेनिश फ्लू के समय पर ये जो प्रिंसिपल था ये साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था। सो दिस इज ए वेल डिफाइंड साइंटिफिक प्रिंसिपल टू कंट्रोल और टू ब्रेक द चेन ऑफ द वायरस। अब आप यही कहेंगे साहब के वायरस की चेन तो ब्रेक हुई नहीं, क्योंकि तो बढ़ रहा है, वायरस की चेन ब्रेक नहीं हुई, लेकिन वायरस का जो मल्टीप्लीकेशन है, वायरस का जो डिसमिनेशन है, वो स्लो डाउन हुआ। अगर ये लॉकडाउन ना होता तो जो कंडीशन आप आज देख रहे हो वो कंडीशन आपको मार्च में मिलती, और मार्च में आप तैयार नहीं होते, ना आपके पास इतने हॉस्पिटल में बेड थे, ना आपके पास टेस्टिंग किट थी, ना आपके पास कुछ नहीं पता था। अब तो आप मेंटली भी प्रिपेयर हो, आपके पास कुछ, आपको आयुर्वेदिक दवाएं भी हैं, आयुर्वेदिक चीजें भी हैं, कुछ आप लोगों ने जो डर आपको भय मार्च में था कोरोना से, उतना भय अब नहीं है, ये बात आप मानेंगे, ठीक है, जितना आपको डर उस समय लग रहा हाय हाय हाय, अब लेकिन अब जो है कोरोना है, अब इन्फेक्शन बढ़ भी रहा है लेकिन लोग बाहर भी ज्यादा निकल रहे हैं। तो इसलिए ये हमने जो है लॉकडाउन में आप लोगों को चीज सिखा दी, कंटिन्यू ये चीज है। अब उसके बाद मैं आपका आता हूं कि सैंपल टेस्टिंग, और जो हमारी इंडियन की 30 जून, आज 30 जून है, आज की क्या पोजिशन है, सैंपल टेस्ट हमने 86 लाख करीब टेस्टिंग कर लिए, 5,66,000 हमारे अंदर पॉजिटिव केसेस हैं, और टेस्ट पर मिलियन है करीब हमारा 6,300 समथिंग, और जो परसेंटेज है टेस्ट पॉजिटिव की वो 6.58% है।
तो आप ये समझ सकते हो कि जो इन्फेक्शन रेट है, अगर हम देखें, देखिए हिंदुस्तान की पॉपुलेशन 135 करोड़ है, अगर आज की डेट में जो हमारे सो कॉल्ड बुद्धिजीवी हैं, जो टेलीविजन पर रोज रोज बैठ करके अपनी अपनी जो भाषण देते रहते हैं, जिनको साइंस का एबीसीडी नहीं आती है, माइक्रोबायोलॉजी की एबीसीडी नहीं आती है, जो कोरोना वायरस के बारे में की स्ट्रक्चर और उसका वो भी नहीं जानते हैं, वो भी ज्ञान बांटने लगते हैं, ठीक है, और वो कहने लगते हैं कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, और हमारे टीवी चैनल्स को पता नहीं क्या हो गया है कि वो उन्हीं लोगों को बुलाते हैं और पॉलिटिशियंस को बुला लेते हैं और उनको वो सुनवाते रहते हैं सुबह से शाम तक। दिस इज ए वेरी वेरी डिसगस्टिंग। जो अगर हम कह के 135 करोड़ लोगों का टेस्ट नहीं कर सकते, ये असंभव है। जो हमारे कुछ पॉलिटिशियंस राजनीतिक लोग कहते रहे साहब टेस्टिंग बढ़ाइए और सबकी टेस्टिंग कराइए, सबकी टेस्टिंग हिंदुस्तान जैसे बड़े कंट्री के अंदर संभव नहीं है। 135 करोड़, और साइंस के हिसाब से, प्रिंसिपल के हिसाब से ये है कि 10 दिन में एक आदमी का टेस्ट 3 बार किया जाना चाहिए, और 3 बार जब वो निगेटिव आ जाए तब आप उसको निगेटिव कहेंगे। तो अब आप समझ लीजिए कि 10 दिन में 135 करोड़ लोगों का लोग टेस्ट 3 दिन में 3 बार आप कर सकते हैं क्या? पूरे वर्ल्ड के सिस्टम को उठा के ले आइए, आप हिंदुस्तान की बात छोड़िए, पूरे वर्ल्ड के साइंटिफिक सिस्टम को उठा के ले आइए आप, तब भी आप नहीं कर पाएंगे हिंदुस्तान। तो इस तरह की बातें करना वहां टीवी चैनल पर और पब्लिक को गुमराह करना, ये एक तरह से मैं तो समझता हूं इडियटिज्म है, टीवी चैनल्स का भी और उन लोगों का भी जो वहां बोलते हैं। मैं बीएससी के स्टूडेंट्स को और सब लोग, क्योंकि यहां जुड़े हुए हैं सभी लोग बुद्धिजीवी हैं, मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूं कि ये संभव नहीं है, और इसलिए सैंपल टेस्टिंग है ये, और सैंपल टेस्टिंग में जो हमारा रेट आ रहा है तो दिस इज 6.5% करीब करीब, आप समझिए कि आप ये समझ के चलिए कि हमारी पॉपुलेशन जो है 6.5% इन्फेक्टेड है, 6.5% जो पॉपुलेशन है वो इन्फेक्टेड है, तो हम जो है अभी कम्युनिटी ट्रांसमिशन की तरफ नहीं है, कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं है। आई कैन एज ए माइक्रोबायोलॉजिस्ट मैं इस बात को दावे से कह सकता हूं कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन हिंदुस्तान के अंदर नहीं है। जो लोग बैठ कर टीवी चैनल पर कुछ कुछ कहते रहते हैं वो ऐसे ही है बस, उनके बारे में मेरे से कुछ कहलवाइए मत, बट दिस इज ए फैक्ट। नाउ टोटल कंफर्म केसेस और एक्टिव केसेस और रिकवरी जो है, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज है, मैं आपको एक चीज बता, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है रिकवरी रेट। रिकवरी रेट आज की डेट में हिंदुस्तान में करीब 58.5% के आसपास जा रहा है। हमें जो कंसंट्रेट करना है, हमें कंसंट्रेट करना है रिकवरी रेट को इंक्रीज करने में, और जो फेटेलिटी रेट है, जो डेथ रेट है, उसको कम करने में। हमारी जो मेडिकल सिस्टम है, जो मेडिकल हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो मेडिकल स्टाफ है, दैट शुड फोकस एंड कंसंट्रेट ऑन रिडक्शन ऑफ द डेथ रेट एंड इंक्रीज ऑफ द रिकवरी रेट। टेस्टिंग इंक्रीज करने से, टेस्टिंग पर ज्यादा फोकस करने से हमारा काम नहीं चलेगा। टेस्टिंग खाली हम उनकी करें जो सिम्टोमेटिक लोग आते हैं, जिनके अंदर सिम्टम्स आ रहे हैं, जो आपको कंप्लेंट कर रहे हैं, जो आपके पास आ रहे हैं। लेकिन हमने किया क्या है, जो हमारी टीवी चैनल्स का एक रोल है सबसे बड़ा, हमने एक ऐसा भय पैदा कर दिया है लोगों के अंदर, ऐसा डर पैदा कर दिया है, अरे भाई आपको कोरोना हो गया तो उठा के ले जाएंगे आपको, वहां हॉस्पिटल में डाल देंगे और आप वहां मर जाओगे। ये कोरोना वायरस ये किलर नहीं है, ये मरने मारने वाला नहीं है, आप इसको समझिए। इसके भय से लोग मर रहे हैं, इससे ये ट्रीटमेंट किया जा सकता है, इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है, इससे बचाव पॉसिबल है। तो हम अपनी एनर्जी जो है लोगों को इससे बचाव पॉसिबल है ये समझाने में लगाएं, लोगों को समझाएं, लोगों को एजुकेट करें और लोगों को रिकवरी रेट बढ़वाएं। रिकवरी रेट बढ़ाने के लिए जो हमारी वेल टेस्टेड मेडिसिन हैं आयुर्वेदा में, बहुत पुराने समय से आ रही हैं, काढ़ा है, बहुत सारी हमारी जीवन शैली है, बहुत सारी हमारी इम्यून बूस्टर सिस्टम है, उनको हमें अपनाना चाहिए, उनको हमें यूज करना चाहिए, जिससे हमारी रिकवरी रेट बढ़े और प्रोटेक्शन रेट हमारा बढ़े। ये डेली न्यू केसेस जो है उसकी मैंने एक रिपोर्ट दी है कि डेली न्यूज केसेस कितने आ रहे हैं
और इसमें आ रहे हैं। तो अभी जैसे आप लोग देख रहे हैं कि सब टीवी चैनल पर डिबेट आती रहती है कि सितंबर में और ऊंचा ग्राफ जाएगा, बढ़ेगा बढ़ेगा, यस बढ़ेगा, लेकिन बढ़ने के साथ साथ क्या है कि हमें फोकस करना है रिकवरी रेट बढ़ने पर। अगर हमारा रिकवरी रेट भी बढ़ रहा है, और रिकवरी रेट बढ़ रहा है एवरीडे, आप देख रहे हो एवरीडे हमारा रिकवरी रेट इंप्रूव कर रहा है, सो वी शुड बी पॉजिटिव एंड वी शुड थिंक अबाउट इट कि रिकवरी रेट जो बढ़ रहा है दैट इज ए पॉजिटिव साइन। अगर इन्फेक्शन रेट जो बढ़ रहा है, इन्फेक्शन रेट बढ़ने से क्या है हमारा रिकवरी रेट भी बढ़ रहा है, एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट तो हमारे यहां है ही है और एसिम्प्टोमेटिक की तादाद हमारे यहां काफी है, इसलिए रिकवरी रेट पे हमें फोकस करना चाहिए। आप देखिए आते हैं एनिमल डिजीज, कितनी परसेंट एनिमल डिजीज जो है वो ह्यूमन के अंदर ट्रांसफर हो रही है। तो एज पर द एस्टिमेट 60% ऑफ द डिजीज जो आज की डेट में है वो एनिमल से ट्रांसफर हुई है, और साइंटिस्ट का एस्टिमेशन है कि 75% जो इमर्जिंग डिजीज है आने वाली है, कुछ अभी और भी बहुत सारी डिजीज है, कोरोना अकेला नहीं है, और भी बहुत सारी डिजीज है जो आगे आ सकती है। जैसे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूं कि जैसे मिजिल्स थे, मिजिल्स ये काओ से हमारे अंदर आए हैं, मलेरिया है जो प्लाज्मोडियम फालसी पर हमें, ये भी एनिमल से आया है, अफ्रीकन मॉस्किटो के थ्रू आया है जो गोरिल्ला पे फेड करते थे। तो देर आर सेवरल एग्जाम्पल्स जो आपको ये बताएंगे कि ये सब जो एग्जाम्पल्स हैं ये सब एनिमल से ही हमारे अंदर डिजीज आई हैं, और इसलिए हमें, आप देखिए कोरोना से डरने की जरूरत क्यों नहीं है, कोरोना से ज्यादा खतरनाक तो और भी बहुत सारी बीमारियां हैं भाई। आप सुबह से शाम तक टीवी चैनल पे आप 80% जो है टाइम इसी पर बर्बाद करते रहते हो, बाकी के बारे में भी सोच लो। निमोनिया और फ्लू से एवरी ईयर 3.2 मिलियन लोग मर जाते हैं पूरे वर्ल्ड में, HIV एड्स से 2.1 मिलियन लोग मर जाते हैं, लेकिन टीवी चैनल्स को इनके बारे में आज की डेट में कुछ सूझ ही नहीं रहा है, इनके बारे में बात ही नहीं करते हैं, बस सुबह से शाम तक जो है 90% टाइम जो है कोरोना कोरोना की बात करके लोगों में भय पैदा करने का काम करते हैं। दिस इज द मेडिकल टेररिस्ट, आई से मेडिकल, मेडिकल जो फार्मेसी लॉबी है, जो लॉबी है वो टेररिस्ट क्रिएट कर रही है यूजिंग दीज चैनल्स, जैसे चाइना क्रिएट करता है। डायरिया है, इससे 1.9 मिलियन लोग मरते हैं, ट्यूबरक्लोसिस से 1.7 मिलियन लोग पर ईयर मरते हैं, मलेरिया अलोन से 1 मिलियन लोग पर ईयर मरते हैं, मलेरिया प्रोटोजोन डिजीज, हेपेटाइटिस बी से 1 मिलियन मरते हैं, मिजिल से 800,000 लोग मरते हैं। तो भाई काहे को आप कोरोना के पीछे पड़े हुए हो, काहे को आप कोविड के पीछे पड़े हुए हो, कि खाली एक यही है, बाकी के बारे में भी सोचो, बाकी भी बहुत सारी और डिजीज है। सो इससे डरिए मत एंड ट्राई टू मैनेज इट। अब यह है मैनेजमेंट ऑफ कोविड 19 एंड इकोनॉमी की बात छोड़ दी, इकोनॉमी मैंने काट दिया है आपके इसमें से, तो इसको मैनेजमेंट कैसे करें, मैं इकोनॉमी वाला पार्ट मैंने आपके पूरे लेक्चर में से काट दिया है। तो इसको मैनेजमेंट करने के लिए, जब मैंने बात कही आपको कि इसको मैनेज करना सीखिए, तो मैनेज कैसे करेंगे, आपको कम से कम 6 फीट का डिस्टेंस, मैं आपका टाइम ज्यादा लूं तो आप मुझे बता दीजिए जहां रुकना हो। जी हेलो हेलो, जब आपको मुझे रोकना हो बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर है, बहुत ही रुचिकर। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, एक्सट्रीमली लाइवली सर, कंटिन्यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो पहली चीज तो यह कि हम 6 फीट का डिस्टेंस मेंटेन करें, जैसे मैं आपको पहले भी कह चुका हूं, और क्यों रखें 6 फीट वो साइंस में आपको बता चुका हूं। पब्लिक प्लेसेस पे मास्क को वियर करें। देखिए अब मैं मास्क वियर करने के बारे में आपको एक चीज बताना चाहता हूं, मास्क 24 घंटे पहनने की जरूरत नहीं है। जब आप जैसे अकेले आप रूम में बैठे हुए हैं, आपके पास कोई नहीं, आपको मास्क पहनने की जरूरत नहीं है। आप सुबह को जॉगिंग पे जा रहे हैं, आपको मास्क पहनने की जरूरत नहीं है। आप खेल रहे हैं, आपको मास्क पहनने की जरूरत नहीं है। आप घर में अकेले हैं, घर में आपको मास्क पहनने, लेकिन आपके घर में अगर कोई होम क्वारंटाइन है और वो आपसे इंटरेक्शन कर रहा है तो आपको मास्क पहनने की जरूरत है। आप गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी में मैंने देखा है बहुत सारे लोग गाड़ी में भी अपने मास्क लगाए रहते हैं, नो कोई जरूरत नहीं, छोटा स्पेस है
तो आपको मास्क कहाँ पहनना चाहिए और क्यों पहनना चाहिए, क्या जरूरी है और कैसे पहनना चाहिए, मैं ये भी चीज बता दूं। आप कहीं भीड़ में जा रहे हैं, भीड़ भाड़ वाले इलाके में जा रहे हैं, तो आपको मास्क पहनना चाहिए। मास्क को पहनने के लिए आपको बहुत सिंपल सिस्टम है, आप इस तरह से आप लगा लीजिए। आप भीड़ से अलग हो गए, मास्क उतार लीजिए। आप किसी से बात कर रहे हैं और जिससे बात कर रहे हैं उसके साथ 6 फीट का डिस्टेंस है, आप मास्क लगा लीजिए, बात करिए। अब आपके एरोसोल यहां से निकल रहे हैं, एयर ड्रॉपलेट्स यहां से निकल रही है। देखिए, ये किसी को दिखाई दिया, हवा निकल रही है। तो ये जो है, ये आपके जो है वायरस में ये फिल्टर होकर के बाहर निकलेंगे तो आपको प्रोटेक्शन देंगे। अब आप मान लीजिए, अब आपको मैं एक चीज और बताता हूं, आप जा रहे हैं सड़क पर जा रहे हैं, आपको नहीं पता है, आप मास्क को ऐसे रखिए, डोंट पुट ऑन योर नोज। लेकिन अगर कोई सामने से आदमी आया जो 6 फीट के नजदीक आ रहा है और आपको लग रहा है कि वो आपके 6 फीट के नजदीक आकर के गुजरेगा, आप इसको ऊपर इतना चढ़ा लो, जब वो आपके पास से गया आप फिर नीचे कर लो। आपने कमरे में बैठे हुए हैं, ऐसे रखिए अपने आराम से, ऑफिसर है आप बैठे हुए हैं, बारे सामने से कोई आ गया आपका बात करने वाला, आपने चढ़ा लिया। तो यहां से पकड़िए, यहां से चढ़ाइए, यहां से उतारिए। एक जो मास्क है, बेस्ट तरीका यह है कि आप 6 या 7 मास्क रखिए, उनके डिफरेंट कलर रख लीजिए और एवरी डे कलर चेंज करके आप उसको पहन लीजिए। आपको वॉश करने की जरूरत नहीं है कि वो 7 दिन में कोरोना वायरस इसमें अगर कुछ है आया है तो वो 7 दिन में खत्म हो जाएगा, 7 दिन बाद फिर आप इसको यूज कर लीजिए। 7 डिफरेंट कलर के मास्क जो है अपने घर में रखिए आप, और उनको अल्टरनेट डेज पर यूज करते रहिए, तो आप सेफ भी हैं, आपको धोने का भी चक्कर नहीं है, आपको उसको जो है ऑटोक्लेव करने का भी चक्कर नहीं है, एंड यू आर सेफ। साइंस की बात बता रहा हूं मैं, माइक्रोबायोलॉजी का आदमी हूं तो माइक्रोबायोलॉजी की बात करूंगा, क्योंकि 7 दिन से ज्यादा ये वायरस जो है इसके अंदर रहने वाला नहीं है, सेफ है इस तरीका। मास्क और 6 फीट का डिस्टेंस, अगर आप ये दोनों चीज फॉलो कर रहे हैं तो आप 90% सेफ है, 90%। अब आप चाहते हैं कि 100% या 99%, 100% की गारंटी तो मैं नहीं दूंगा, लेकिन आप 99% सेफ होना चाहते हैं, तो 99% सेफ होने के लिए पर्सनल हाइजीन, कम्युनिटी हाइजीन ये रखिए, और साथ में ये जो एंटीवायरल सिस्टम है, ये आप गर्म पानी से गरारे कीजिए, उसके अंदर नमक और फिटकरी डालते रहिए, दिन में 2 बार गरारे कर लीजिए, कम से कम 1 बार तो कर ही लीजिए सुबह सुबह, और चाय पीजिए जिसमें काली मिर्च है, लौंग है, तुलसा है, लेमन ग्रास इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इम्प्रूव योर इम्यूनिटी, जिंजर है, मुलेटी है, इसमें अश्वगंधा रह गया है और गिलोय रह गया है लिखने से, अश्वगंधा और गिलोय वो भी डाल दीजिए, लेमन और हनी आप अगर चाहते हैं तो जितना आपको टेस्ट है उतना डाल दीजिए, इसको बॉइल करिए और दिन में 2 बार पीजिए, मस्त रहिए और कोरोना को भूल जाइए और काम कीजिए अपना। मास्क लगाइए, 6 फीट की दूरी रखिए और ये पीजिए और बिल्कुल मस्त रहिए। लाइक मी, मैं मस्त हूँ, आपको देख लीजिए, पूरा काम करता हूँ, सारे 65 प्लस हो चुका हूँ, और बढ़िया हेल्दी डाइट खाइए, फर्स्ट क्लास, जिसमें विटामिन सी हो, विटामिन डी हो और जिंक हो, ये 3 चीज है। अभी मैं इस पे आऊंगा कि कैसे कैसे ये 3 चीज जो है आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, क्योंकि अगर आपकी इम्यूनिटी सही है तो आप कोरोना क्या कोई भी वायरस आपको डिजीज नहीं करेगा, आप हर चीज से मुक्त रहेंगे। हेल्दी लाइफ is wealthy life. Arvind, मैं लेक्चर पे हूं, बाद में कॉल करता हूं। हाँ बोलो, डीम्ड, हाँ हाँ, शोभित इंजीनियरिंग, शोभित इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, और हाँ बोलो, नहीं नहीं नहीं
तो हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट लीजिए आप, इम्यून बूस्टर्स आप उसमें ऐड करिए, 7 से 8 घंटे की नींद, 7 to 8 आवर्स नींद बहुत जरूरी है अगर आपको अपनी इम्यूनिटी सिस्टम सही रखना है, बॉडी सिस्टम ठीक रखना है। योगा और मेडिटेशन कीजिए, मेंटल पीस, मानसिक शांति रखिए। और अब आप समझ लीजिए कि 80% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है, ये एक एस्टीमेट है जो पूरा वर्ल्ड में इंटरनेशनल किया गया है, 80% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इज गोइंग टू शिफ्ट टुवर्ड्स प्लांट बेस्ड डाइट। तो जो पहले से ही वेजिटेरियन है वो तो अच्छी बात है, लेकिन जो वेजिटेरियन नहीं है वो भी सोच लें कि अब आप जो है जो नॉन वेज वाले हैं वो माइनॉरिटी में होने जा रहे हैं। और नॉन वेज इज नॉट गोइंग टू बी थिंक दैट दिस इज ए साइन ऑफ द रिच पीपल। अब जो वेजिटेरियन खाएंगे उन्हीं को समझा जाएगा कि यही रिच लोग हैं, यही स्टेटस वाले लोग हैं, यही अच्छे लोग हैं। और एक चीज मैं आपको एज ए माइक्रोबायोलॉजिस्ट बताना चाहता हूं कि जितनी भी वायरल डिजीज हैं, जितने भी डिजीज एनिमल के अंदर आती है, प्लांट वायरस से कोई डिजीज नहीं आती। इसलिए एनिमल मीट जो भी आप खाएंगे, अगर वो कच्चा रह गया, अधुबला रह गया, कोई चीज रह गई, तो वहां से आपको चांसेस इन्फेक्शन के ज्यादा हैं। और प्लांट बेस्ड डाइट आप खाएंगे तो प्लांट बेस्ड डाइट में आपको वायरल इन्फेक्शन के चांसेस नहीं है। उसको गर्म खाइए, मस्त रहिए, फिट रहिए। आयुर्वेदा इज गोइंग टू रिप्लेस एलोपैथी वेरी सून, ये आप समझ लीजिए। नेक्स्ट 10 ईयर्स में, अगले 10 साल में लोग जो है एलोपैथी को भूल जाएंगे, एलोपैथी खाली जो है ये हिस्ट्री रह जाएगी, एंड आयुर्वेदा इज गोइंग टू टेक इट्स शेप। तो अभी से अपनी लाइफ स्टाइल है उसको चेंज करिए। रोल ऑफ विटामिन सी, विटामिन सी का इम्यून सिस्टम को आपको इम्प्रूव करने में बहुत बड़ा रोल है, ऑक्सीडेशन स्ट्रेस को कम करता है, इम्यून सेल्स को, जो इम्यून सेल्स के फंक्शन है उसको इंक्रीज करता है, और ये कोल्ड ओल्ड सेल्स जो है उनको रिप्लेस करता है। दीज आर द 3-4 फंक्शंस। और जो कोल्ड है, कफ है, इससे आपको प्रोटेक्शन देता है। तो जो कोरोना वायरस है ये एक कोल्ड वायरस है, कोरोना वायरस कोविड, जैसे कोल्ड का कफ कोल्ड वाला जो वायरस है, जो फ्लू वाला है, उसी का रिलेटेड, उसी का भाई बहन है, उसी का फैमिली का है, उससे कहीं दूर नहीं है। तो उसकी फैमिली को दूर, उसकी फैमिली में जितने भी हम प्रोटेक्टिव चीज यूज करते हैं वो हम इसमें भी यूज करें। तो विटामिन सी लीजिए और विटामिन सी रिच डाइट लीजिए, यू विल बी हैप्पी एंड योर यू कैन मैनेज। विटामिन डी, कई बार हम लोग ये सोचते हैं कि साहब हम धूप में बैठ गए हमें विटामिन डी मिल गया। नहीं भाई, हमारी जो स्किन है, हिंदुस्तानियों की जो स्किन है, ये डार्क स्किन है, और इस डार्क स्किन के अंदर जो सन रेज हैं उनकी पेनिट्रेशन पावर इतनी ज्यादा नहीं है कि वो विटामिन डी को वहां जाके प्रोड्यूस कर सके। तो इसीलिए विटामिन डी की हमारे अंदर काफी कमी है। और आप देखोगे, अगर आप चेक कराओगे तो आपको भी विटामिन डी की बहुत सारे, तो विटामिन डी हमें सप्लीमेंट्री अलग से लेना जरूरी है। और ये अभी 11,321 लोगों के ऊपर अभी एक टेस्ट किया गया है, 2019 की रिसर्च है ये जो मैंने निकाली है, और उसमें किया गया है कि अगर हम सप्लीमेंटिंग विटामिन डी लेते हैं तो उससे बहुत सारी बीमारी जो है वो हमारी, हम उससे सेफ हो जाते हैं और हमारे इम्यून सिस्टम जो है उसमें इम्प्रूव हो जाता है। तो जो डेफिशिएंसी है विटामिन डी की, जो डेफिशिएंसी है वो हमारे इम्यून सिस्टम को डिसफंक्शन करती है, इम्यून सिस्टम को डिसबैलेंस करती है। तो इसलिए विटामिन डी पे भी आप कंसंट्रेट करें। खाली विटामिन सी ही इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग नहीं करता, क्योंकि जैसे आप लोग बहुत सारी सोशल मीडिया पे पोस्ट आती रहती हैं, और हमारे टीवी चैनल तो बहुत बड़े एजुकेटर है ही हैं, और वहाँ हमारे पॉलिटिशियंस जो हैं वो तो बहुत महान ज्ञाता हैं, उनको तो सारे सब्जेक्ट का ज्ञान होता है, वो तो ज्ञान बांटते फिरते हैं, और टीवी चैनल पे तो कुछ ज्यादा ही ज्ञान बांटते हैं। वो कहते रहते हैं कि साहब विटामिन सी वाला खाइए और उससे, और वो बहुत सारे टीवी चैनल कई बार कहते रहते हैं इंजेक्शन लगा देते हैं और वो लौकी बड़ी हो जाती है। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है भाई, आप भ्रम में मत रहिए, कोई इंजेक्शन लगा के लौकी बड़ी नहीं होती। ये सब जो हमारे साइंटिस्ट हैं, हाइब्रिडाइजर हैं, प्लांट ब्रीडर्स हैं, प्लांट ब्रीडर्स का कमाल है, उन्होंने जो नई नई वेरायटी बना दी। ऐसे इस मिथ में मत रहिए।
तो इसलिए विटामिन डी पे भी आप कंसंट्रेट कीजिए। और तीसरा जो रोल है वो है जिंक का, विटामिन सी डी एंड जिंक, इन तीनों की डाइट को जब आप फोकस करेंगे, तीनों को जब आप लेंगे, तीनों का आप बैलेंस लेंगे, तो आपका इम्यून सिस्टम जो है ठीक रहेगा। और इनका जो डिसबैलेंस अगर होगा तो इम्यून सिस्टम आपका गड़बड़ा जाएगा। इसलिए इम्यून सिस्टम को आप स्ट्रांग रखिए, और इम्यून सिस्टम को आप स्ट्रांग रख रहे हैं तो खाली कोरोना वायरस को ही मैनेज नहीं करेंगे, आप सारे वायरस को मैनेज कर सकते हैं, आप हर चीज को मैनेज कर सकते हैं। आपकी अगर इम्यूनिटी गुड है तो आपकी हेल्थ अच्छी है, हेल्थ अच्छी है तो आपका माइंड अच्छा है, माइंड अच्छा है तो आपको वेल्थ अच्छी है। हेल्थ एंड माइंड, इफ दीज टू आर साउंड देन यू आर वेल्दी पर्सन। और आप वेल्दी हैं तो आप सब कुछ खरीद सकते हैं, तो ये सब इंटरलिंक्ड है। अब कुछ साइट्रस फ्रूट्स खाइए, विटामिन सी के रिच होते हैं, विटामिन सी रिच, ये बहुत एक टेबल है जिसमें वेजिटेबल्स हैं बहुत सारी मैंने दे रखी हैं, ये फ्रूट्स हैं बहुत सारे जो विटामिन सी रिच हैं, इनको आप खाइए। कम से कम आपकी 25% to 30% जो आपका डाइट है पूरी पूरी वो आपकी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की होनी चाहिए। जब तक आपकी 25% to 30% डाइट जो है आपकी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की नहीं होगी तो आप समझिए कि आपकी डाइट बैलेंस डाइट नहीं है। एक मैंने ये चार्ट बनाया है, हार्ट डिजीज के लिए जितनी भी रेड वेजिटेबल्स या रेड फ्रूट्स हैं उनको, वो आपको हार्ट को मजबूत रखेंगे। इम्यूनिटी मजबूत करने के लिए जो व्हाइट वेजिटेबल्स और व्हाइट फ्रूट्स हैं उनको खाइए आप। स्किन अगर आपको बहुत बढ़िया रखनी है, आपको शाइनिंग रखनी है, ग्लोइंग रखनी है, अच्छी स्किन रखनी है तो येलो वाली वेजिटेबल्स खा लीजिए, येलो वाले फ्रूट्स खा लीजिए। आपको कैंसर है, आपको एल्कलाइन आपको सिस्टम, और आपको अपने प्रोबायोटिक वो आपको बढ़िया रखने हैं आपके। आपको पता होगा कि प्रोबैक्टीरिया ये पता है कि जो इंटेस्टाइन है आपकी, इंटेस्टाइन के अंदर प्रोबैक्टीरिया रहते हैं, प्रोबायोटिक्स रहते हैं, और ये प्रोबायोटिक्स जो है यही आपकी सारी बॉडी के सिस्टम को कंट्रोल करते हैं सब चीज को। अब ये साइंटिस्ट ने प्रूव कर दिया है कि ब्रेन कंट्रोल नहीं करता आपकी भूख और सब चीज को, ब्रेन को जो सिग्नल है वो स्टोमक से जाते हैं, और स्टोमक के अंदर जो बैक्टीरिया है, जो इंटेस्टाइन के अंदर बैक्टीरिया है, करीब 300 डिफरेंट बैक्टीरिया दे हैव बीन आइडेंटिफाइड, और ये 300 डिफरेंट बैक्टीरिया जो है यही रेस्पॉन्सिबल है, यही आपका डाइजेशन करते हैं, यही आपका सब कुछ करते हैं। और आपका जो ह्यूमन जीनोम है इसके अंदर करीब करीब 30,000 मैक्सिमम 30,000 जीन्स हैं, और जो बैक्टीरिया आपकी बॉडी के अंदर रह रहे हैं उनका 3,000 टाइम्स जीनोम है। तो आपकी जो बॉडी है वो खाली जो जेनेटिक सिस्टम है आपका वही रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है, आपके जो बॉडी के ऊपर और अंदर जो बैक्टीरिया रह रहे हैं वो भी आपके पूरे जेनेटिकल सिस्टम को कंट्रोल कर रहे हैं। तो इसलिए अपने जो बैक्टीरिया आपकी बॉडी के अंदर जो बैक्टीरिया है उन पर भी कंसंट्रेट कीजिए, और उसको कंसंट्रेट करने के लिए, ठीक करने के लिए ग्रीन वेजिटेबल खाइए। अभी एक साइंटिस्ट की रिसर्च है, 2020 की रिसर्च है, वो अभी अप्रैल में 2 महीने पहले आई है, उसमें ये पाया गया है कि हमारी जो इंटेस्टाइन है इसके अंदर हैप्पी बैक्टीरिया रहते हैं, और वो हैप्पी बैक्टीरिया जो है ब्यूटायरिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं, और जब ब्यूटायरिक एसिड ज्यादा प्रोड्यूस होता है तो आप खुशी महसूस करते हैं। और अब हम भी उसी पे काम कर रहे हैं कि कौन सी वेजिटेबल ज्यादा खाएं जिससे हैप्पी बैक्टीरिया की पॉपुलेशन बढ़ जाए आपके इंटेस्टाइन के अंदर। बहुत सारे साइंटिस्ट उसी पे काम कर रहे हैं। ये तो COVID-19 बीच में आ गया, और COVID-19 की वजह से सबकी कंसंट्रेशन माइक्रोबायोलॉजिस्ट की जो है वो कोरोना वायरस की तरफ चली गई, अदरवाइज तो बहुत सारे साइंटिस्ट जो थे 10-15% माइक्रोबायोलॉजिस्ट जो थे वो ह्यूमन बैक्टीरिया पर ही काम कर रहे थे आजकल। तो सो ग्रीन वेजिटेबल खाइए, आप हैप्पी रहेंगे, मुस्कुराएंगे, और आप जब हैप्पी रहेंगे तो आपकी बॉडी भी हैप्पी रहेगी और आप हर चीज ठीक रहेंगे। आपको इन्फ्लेमेशन के अगेंस्ट लड़ना है तो आप ऑरेंज वेजिटेबल्स खाइए, ऑरेंज चीजें खाइए। आपको एंटीऑक्सीडेंट, आपको ज्यादा दिन जिंदा रहना है, जो मुझ जैसा है आदमी भाई, मैं तो 100 साल से ज्यादा जिंदा रहना चाहता हूं, तो आप जो पर्पल टाइप वेजिटेबल्स हैं उनको ज्यादा खाइए, इनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स का रोल जो है जो 40 इयर्स के बाद की वाली पॉपुलेशन है उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंटीऑक्सीडेंट्स जो है आपको एजिंग को डिले करते हैं। ये स्पिनच है, ये सब, ये मैं आप रनिंग स्लाइड चलेंगी,
काले है, इनके जब जूस निकालिए या ऐसे खाइए जैसे भी आपको अच्छा लगता है। टमाटर जूस खाइए, टमाटर जूस पीजिए, टमाटर वैसे खाइए आप। टोमेटो जूस इज वन ऑफ द वेरी गुड थिंग, फ्रेश आप निकाल सकते हैं और फ्रेश आप खा सकते हैं। ये विटामिन ए और विटामिन सी दोनों में रिच होता है, आयरन और फोलेट इसके अंदर होता है। वाटरमेलन आजकल जो है, समर के अंदर इट इज ए वन ऑफ द वेरी गुड थिंग, जो आपको विटामिन ए भी देगा, विटामिन सी भी देगा, मैग्नीशियम भी देगा, जिंक भी देगा और आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखेगा। पपाया इज वन ऑफ द वेरी गुड फ्रूट, विटामिन सी होता है इसके अंदर और इसके अंदर एक एंजाइम होता है पेपेन, जो डाइजेशन आपका इम्प्रूव करता है। और इसके अंदर पोटाशियम, मैग्नीशियम और फोलेट भी होते हैं। तो पपाया को भी आप खाइए, पपाया को, जैसे मैंने आपको कहा ना बायोडाइवर्सिटी, ऐसे ही आप अपने फूड के अंदर भी डाइवर्सिटी लाइए। अगर आप एक ही तरह का फूड खाते रहेंगे तो आपकी जो पाचन क्रिया है, समारी सीजिए, सब खराब हो जाएगी और आपका बैक्टीरियल जो फ्लोरा है वो भी खराब हो जाएगा। सब तरह के फ्रूट्स खाइए, सब तरह के वेजिटेबल्स खाइए, सब तरह के अनाज खाइए, सब तरह के वातावरण में रहिए, गर्मी में भी रहिए, सर्दी में भी रहिए। ट्राई टू एडजस्ट इन एवरी टाइप ऑफ द थिंग। जितनी ज्यादा वाइड डाइवर्सिटी आप अपने अंदर लाएंगे उतनी ज्यादा आपके अंदर इम्यूनिटी आएगी और उतनी ज्यादा आपकी विल पावर इंक्रीज होगी। कीवी खाइए, इसमें विटामिन के होता है, विटामिन सी भी होता है, पोटेशियम भी होता है। रेड बेल पेपर, दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो लाल वाली शिमला मिर्च आती है इसके अंदर 3 times मोर विटामिन सी होता है इन कंपेरिजन टू ऑरेंज। इसीलिए आपको देखते हैं आप महंगी भी मिलती है मार्केट में, 50 रुपए पाव, 60 रुपए पाव मिलती है और बहुत सारे किसानों ने अब इसको बोना भी शुरू कर दिया है। तो ये आपकी इकोनॉमी को भी इंप्रूव कर सकती है, तो ये आपकी स्किन को भी बड़ी हेल्दी मेंटेन करती है। लेडीज के लिए इट इज इट प्रोवाइड द ग्लोइंग स्किन, ग्लोइंग फेस। सो एटलीस्ट लेकिन इसको खाने का एक तरीका है, ऐसा नहीं कि आपने इसको डाला और बॉयल और पूरा बॉयल कर लिया और पूरा बॉयल करके पूरी सब्जी बना खा लिया। नो, इसको जब आप खा रहे हैं तो आपको स्टीम करिए, आपको स्टीम बॉयल करिए और स्टीम बॉयल जब आप करेंगे तो देन इट विल प्रोवाइड यू मोर विटामिन सी एंड मोर न्यूट्रिशन एंड मोर प्रोटेक्टिव। ऐसी ब्रोकली है, ब्रोकली खाइए, ब्रोकली को भी स्टीम करिए, इसको भी स्टीम करके लीजिए, इसको बॉईल करके सब्जी के अंदर डाल के, कुकर के अंदर डाल के मत पकाइए। एक पंपकिन सीड, जो काशी फल होता है, काशी फल के जो पंपकिन के सीड हैं, दे आर वेरी यूजफुल, और आप इनको निकाल के फेंक देते हैं। जब आप सब्जी बनाते हैं तो सब्जी बना करके वो ऊपर से छाला और उस पंपकिन सीड आपने डस्टबिन में डाल दिए और आप उसको खा लें। नो, बैड बैड हैबिट। पंपकिन सीड जो है दे आर वेरी गुड फॉर द बोन है, बोन हेल्थ, मेनोपॉज़ सिम्टम में, यूरिनरी हेल्थ के लिए, हेयर एंड स्किन के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए, प्रोस्टेट हेल्थ के लिए। और यही एक ऐसी चीज है जिसके अंदर इसके जो सीड्स हैं उसके अंदर मिल्क भी बनाया जाता है और इसके बाजार से ये सीड्स आपको मिल भी जाते हैं बहुत सारी जगह। विटामिन ए, विटामिन सी, B6, मैग्नीशियम, जिंक, इट इज द फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स। इसको आप लेंगे तो आपकी इम्यूनिटी बड़ी स्ट्रांग रहती है। सनफ्लावर सीड्स हैं, सनफ्लावर सीड्स खाइए, ये भी आपको बहुत अच्छे, और ये स्वाइन फ्लू के अगेंस्ट भी काम करते हैं। और ये साइंटिस्ट की अभी रिपोर्ट से मैं पढ़ रहा था कि ये कोरोना वायरस के अगेंस्ट भी आपको प्रोटेक्शन देंगे जो सनफ्लावर सीड्स हैं। स्ट्रॉबेरी एंड मैंगो, इनको मिक्स करके लीजिए, मिक्स लेंगे तो आपको ज्यादा प्रोटेक्शन मिलेगी। कैरेट, एप्पल और ऑरेंज का मिक्स लीजिए, कीवी और स्ट्रॉबेरी का मिक्स लीजिए, बीट रूट, कैरेट और स्पिनच का मिक्स लीजिए, इन तीनों को मिक्स लीजिए तो बैलेंस आपको जूस मिलता है। स्पिनच, लेट्यूस और काले का मिक्स जूस लीजिए, गार्लिक, जो आपकी लहसुन होती है, ये जितनी भी पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड की, सारे सिविलाइजेशन इसकी जो है महत्ता को मानते हैं। सारे सिविलाइजेशन, कोई सिविलाइजेशन ऐसा नहीं है जो गार्लिक की महत्ता को, गार्लिक के महत्व को कम मानता। लेकिन इसका एक वीक एविडेंस ये भी है कि आर्टरी जो है उसकी हार्डनिंग को भी इम्प्रूव करता है, इट हेल्प्स टू लोअर द ब्लड प्रेशर आल्सो एंड सेवरल अदर इसके, और वेरी स्ट्रॉन्ग एंटी माइक्रोबियल एजेंट, वेरी स्ट्रॉन्ग, हाईली स्ट्रॉन्ग एंटी माइक्रोबियल एजेंट। मैं यहीं पर आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, जब मैं एंटी माइक्रोबियल की बात आई, अपने घर के आसपास, अपने घर के पास नीम का पेड़ जरूर लगाइए।
अभी जो रिपोर्ट्स हैं वो ये हैं कि नीम का जो पेड़ है वो 10 times मोर फोटोसिंथेसिस करता है, 10 times मोर फोटोसिंथेसिस देन अदर प्लांट्स। और दूसरी और क्या बात है नीम के पेड़ के अंदर, कि नीम के पेड़ के आसपास करीब करीब 10 feet के एरिया में जो एयर है वो प्योर रहती है, एंटी माइक्रोबल रहती है, वहां कोई माइक्रोब्स पनपते नहीं है। That is the antimicrobial, antibacterial, antiviral, antifungal. तो नीम का पेड़ जो है, आजकल पता नहीं कि जो हमारे इको फॉरेस्ट फॉरेस्ट ऑफिसर्स हैं उन्होंने नीम का पेड़ लगाना क्यों बंद कर दिया, वो तो लगाने लगे यूकेलिप्टस लगा दीजिए, ये लगा दीजिए, वो लगा दीजिए। सो दिस इज ए वेरी बैड थिंग। सो आप लोग, क्योंकि आप लोग तो पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, साइंस के लोग हैं और विज्ञान के अंदर लोग हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि क्यों लगाना चाहिए, क्योंकि दिस इज ए साइंस। और साइंस में नीम का पेड़ जो है ये 10 times मोर फोटोसिंथेसिस करता है, प्योर एयर करता है, और पीपल है, बरगद है, जैसे दे आर आल्सो दे डू द फोटोसिंथेसिस इन लो लाइट, जब लाइट बहुत कम होती है तब भी ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, इसलिए उनको उस समय लगाना चाहिए, इसलिए इनकी लाइफ भी लॉन्ग होती है। जिंजर खाइए, जिंजर के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट है, ये इतने सारे बेनिफिशियल कंपोनेंट है। जिंजर की एक स्लाइस आप रोज लीजिए, आपको इन्फेक्शन कोई चीज होगी नहीं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन कभी नहीं होगा, ठंड कभी नहीं लगेगी, नौजिया नहीं लगेगा, सोर थ्रोट आपका नहीं होगा। अभी मैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन यहाँ पे एक बात कर रहा हूँ, मुलेटी, मुलेटी हैज बीन शोन के मुलेटी के अंदर ग्लाइकोप्रोटीन होती है, और मुलेटी को जब हम खाते हैं तो यहाँ जो इन्फेक्शन यहीं से शुरू होता है ना, ये हमारी जो सेल्स हैं, जो एज सेल्स हैं, वो हमारे हलक में यहाँ पर अंदर हैं, और जब कोरोना वायरस यहाँ से जाता है तो हलक में यहाँ पर जो हमारी एज सेल्स है वहां पर ये अटैच करता है। तो अगर आप मुलेटी खा रहे हैं तो मुलेटी जो है इसकी एज की जो बाइंडिंग सेल्स हैं, एज जो है इसको बाइंड नहीं करता। तो मुलेटी इज वन ऑफ द गुड थिंग एंड इट कैन प्रोटेक्ट यू अगेंस्ट द कोरोना वायरस ऑल्सो एंड अगेंस्ट द ऑल अदर वायरस ऑल्सो। सो मुलेटी को आप खाइए, मुलेटी को आप यूज करिए। टर्मेरिक, एंशियंट मेडिसिन आप कह सकते हैं इसको, वैदिक मेडिसिन आप इसको कह सकते हैं, वैदिक एंटीबायोटिक आप इसको कह सकते हैं, और इंडियन एंटीबायोटिक आप इसको कह सकते हैं, और इतनी सारी डिजीज हैं जिनमें काम आता है, इतनी सारी डिजीज है जिसमें ये काम आता है, और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आपको ये डिजीज नहीं है और आप हल्दी ले रहे हो तब भी आपको कोई नुकसान होने वाला नहीं, इसलिए हल्दी का दूध या हल्दी का गर्म पानी जरूर इस्तेमाल कीजिए, इट विल कीप यू हेल्दी एंड वेल। योगर्ट, कर्ड, दही खाइए, आपका इम्यून सिस्टम बहुत बढ़िया रहेगा। एलमंड्स खाइए इफ यू कैन अफोर्ड, ग्रीन टी पीजिए, ग्रीन टी ये नहीं जो मार्केट से मिलती है, अरे आप खुद बनाइए, लेमन ग्रास ले लीजिए, लेमन ले लीजिए, लेमन ग्रास लीजिए, काटिए, बॉइल करके पानी में डाल दीजिए, यूज करिए आप, समझे। जेरेनियम ले लीजिए, मिंट प्लांट ले लीजिए, देर आर सेवरल नाउ, बहुत सारे प्लांट्स हैं जो गमले में पैदा हो जाते हैं, गमला एक दो चार बना लीजिए अपना, भाई आप अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपनी लाइफ के ऊपर फोकस कीजिए, अपने को कुछ समझिए, यू आर द योर गॉड, आप भगवान की पूजा करने की जगह अपनी बॉडी की पूजा कीजिए, कुछ उसको टाइम दीजिए। 5-10 गमले अपने घर में लगा लीजिए, एक में लेमन ग्रास लगा लिए, एक में जिरेनियम लगा लीजिए, एक में मिंट प्लांट लगा लीजिए, रोजाना बदल बदल के आप थोड़ी सी पत्ती डालिए, बॉयल वाटर में डालिए और पीजिए आप, काहे को आप रामदेव जी के और किसी का कुछ सामान खरीदते हैं, आप खुद अपने वैद्य बनिए ना, कहीं से कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है। और आप ग्रीन टी अपने घर में बनाइए, रोज पीजिए, मस्त रहिए। पोल्ट्री, चिकन, दिस इज ऑल्सो ए गुड सोर्स ऑफ द विटामिन B6। शेलफिश, अगेन दिस इज फॉर द नॉन वेजिटेरियन पीपल, वो नॉन वेजिटेरियन वाले कहेंगे साहब आपने हमारे लिए तो कुछ रखा ही नहीं, हमारी क्या इम्यूनिटी होगी नहीं, तो उनके लिए भी कुछ चीजें हैं, तो इसलिए मैंने कुछ चीजें ऐड कर दी थी 11th hour पे, क्योंकि आप में से कुछ लोग हो सकते हैं कि जो नॉन वेज के ज्यादा खाने वाले हों और नॉन वेज को ज्यादा प्रीफर करते हों, दे कैन कंसंट्रेट ऑन दीज थिंग्स। मशरूम, माइक्रोबायोलॉजी के माइक्रोलॉजी का आदमी हूँ तो मशरूम को तो कैसे भूल जाऊंगा, 6,000 मशरूम्स, 6,000 डिफरेंट टाइप ऑफ द मेडिसिनल ड्रग्स दे हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मशरूम्स, और मशरूम इज ए कंप्लीट फूड,
मशरूम्स आर वेरी एक्सपेंसिव. अगर हम मशरूम्स की कल्चर, मशरूम का कल्टीवेशन किसानों को सिखा दें, तो जो हमारे मोदी जी कहते हैं ना कि किसानों की आय दोगुना करिए दोगुना करिए, किसानों की आय दोगुना नहीं चार गुना भी हो जाएगी. हमें उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, हमें उनको बताना पड़ेगा कि आपको क्या बोना है. हर्बल प्लांट्स उनको बोने के लिए उत्साहित करना पड़ेगा, उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी. हर्बल प्लांट है, मेडिसिनल प्लांट है, मशरूम्स है, हमें ट्रेडिशनल खेती से बाहर आना पड़ेगा. खाली हमें सुगर केन और पोटैटो और राइस पर डिपेंड नहीं करना पड़ेगा. अगर हम खाली यही ग्रो करते रहेंगे तो किसान की आय कभी दोगुना होने वाली नहीं है. क्योंकि हम जब मार्केट में जाते हैं, गेहूं अगर जिस दिन जो है 20 रुपए से 25 रुपए किलो हो जाएगा, तो आप लोग हल्ला मचाना शुरू कर देंगे, आप लोग हाय हाय करना शुरू कर देंगे. आप लोग ये नहीं देखेंगे कि साहब भाई 20 रुपए की पानी की बोतल तो हम खरीद रहे हैं और किसान का गेहूं हमें अभी भी 10 रुपए किलो मिलना चाहिए. नहीं, हम उसके प्राइस बढ़ने नहीं देंगे, उसका खाद रोज बढ़ता रहेगा. तो किसान की आय अगर हमें दोगुना करनी है, तो किसान की आय दोगुना करने के लिए हमें उसको ट्रेडिशनल खेती से अलग ले जाना होगा. और ट्रेडिशनल खेती से अलग ले जाने के बाद आप उसको समझाइए, उसको ट्रेनिंग दीजिए और मशरूम्स को डिमांड क्रिएट करिए. लोगों को समझाइए कि मशरूम खाओगे तो आप हेल्दी रहोगे, आपकी इम्यूनिटी बढ़िया रहेगी, आप बहुत अच्छे रहोगे. और तो इसलिए तभी जाकर के आपकी चीजें बनेंगी. और इसके साथ मैं आपको जो है धन्यवाद देता हूं, थैंक यू वेरी मच. अगर आप, मेरे ख्याल से मैंने आपका टाइम ज्यादा ले लिया तो उसके लिए सॉरी. सर, बहुत अच्छा लगा आपका लेक्चर, एक्सट्रीमली वैल्यूएबल. थैंक यू सर, एक्सीलेंट टॉक. If I have an award, just like there is a coronavirus, so I give you that award. Vivan, so that award goes to you. You Thank are you. The true coronavirus at this time. Because you have mentioned all the things, starting from the how the infection and the biology and how we manage, and you are going to the Ayurveda sides, and which is essential part of our life. And if we manage such a things, we remain healthy, and we can prevent ourselves from this coronavirus. Thank you for such a nice presentation, nice talk. I think all the pupils which are associated with this webinar, they enjoy very much, and this talk is very much useful in all context. So there are so as a talk is very useful. So there are many questions from the audience sides. Yes. So one of them is this coronavirus is survive in patient who is recover from the this coronavirus. कितने दिन तक लगभग पूछा है कि कितने दिन तक वो लगभग रह सकता है? मतलब बॉडी में रह सकता है? हाँ हाँ. बॉडी में जब कोरोना जब आदमी सर्वाइव करके आ जाता है, कोरोना वायरस से जब रिकवर कर लेता है, तो रिकवर करने के बाद ये बॉडी में आराम से महीने, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन भी, क्योंकि जो मैक्रोफाजिस हैं आपकी बॉडी के अंदर, वो मैक्रोफाज इसको खा खा करके निकालेंगे. तो अगर आपके मैक्रोफाजी जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, अगर वो आपकी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज्यादा नंबर है, ठीक है, तो वो आपके जो है एक हफ्ते के अंदर 10 दिन के अंदर भी रिमूव कर सकते हैं. और ये जो है 1 महीने 2 महीने 6 महीने तक भी रह सकता है. तो इसलिए एक बार आप अगर इससे रिकवर कर गए तो आप घबराइए मत, दोबारा आपको इन्फेक्शन नहीं होगा. क्योंकि एक बार रिकवर करने के बाद इसमें एंटीबॉडीज आपकी बॉडी में बन जाती हैं, और वो एंटीबॉडीज जो बन जाती हैं वो आपको प्रोटेक्शन देती हैं. हालांकि आप पॉजिटिव आएंगे, चाहे तो आप इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट कर लो, चाहे आप मॉलिक्यूलर टेस्ट कर लो, दोनों से आप पॉजिटिव आएंगे, लेकिन आपको सिम्टम्स नहीं होंगे. जी सर. अच्छा सर, दूसरा क्वेश्चन है कि सीवेज वाटर में ये सर्वाइव करता है नहीं करता, या क्या पॉसिबिलिटी है? सीवेज वाटर में ये रहता है. देर आर रिपोर्ट्स के इसीलिए लोग कहते हैं कि साहब के, इसीलिए जो रिकमेंडेशन है वो ये है कि जो कोरोना इन्फेक्टेड लोग हैं उनका जो टॉयलेट है वो अलग होना चाहिए, और दैट शुड बी ट्रीटेड विद द क्लोरीन वाटर. और क्लोरीन वाटर से ट्रीटमेंट होने के बाद वो डिस्पोजल होना चाहिए. सीवेज वाटर में ये रहता है. देर आर रिपोर्ट्स. जी सर. क्योंकि देखिए ऐसा है, मैं आपको बहुत क्लियरली बता दूं, जब ये एक बार बॉडी से बाहर निकलता है
तो बॉडी से बाहर निकलने के बाद ये तो केमिकल है, केमिकल है जैसे बाकी केमिकल से, ऐसे ये केमिकल है तो ये रहेगा खाली। ये अगर वो एल्कलाइन वाटर है तो एल्कलाइन के अंदर सरवाइव नहीं करेगा, और सीवेज जो है वो एसिडिक वाटर है। I have one question. बेसिक चीज मैंने आपको समझा दी, सीवेज क्योंकि एसिडिक वाटर है उसमें रहेगा, अगर आपको उसको मारना है तो एल्कलाइन बना दो उसे। जी जी सर। सर एक क्वेश्चन है मेरी तरफ से। जी हेलो। सर नमस्ते, मैं डॉक्टर ब्रजेश सिंह, मैं यहाँ पीडी कॉलेज में जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में हूँ, एग्रीकल्चर में। मेरा एक सवाल, सवाल तो कई हैं सर, एक तो पूछिए आप, कोई बात नहीं, अगर टाइम या कम रहता है तो मुझे मेल डाल देना, निशा है यहाँ पर, निशा के पास मेरा मेल आईडी है, मेरी फेसबुक पे डाल देना, मैं उस पर भी जवाब दे दूंगा। जी सर, एक तो जैसे ग्राउंड वाटर में इसका इन्फेक्शन हो सकता है कि नहीं, अगर कहीं से कंटामिनेशन अगर हो जाए तो, एक तो सवाल ये है। दूसरा सर एक सवाल और इसी के साथ पूछ देना चाहते हैं कि बहुत सारे लोगों का ये है कि जो नॉन वेज है उससे कुछ ऐसे अमीनो एसिड्स हैं जो ना। हाँ जी, हाँ जी जी, हाँ ठीक है। बस कितने कितने के पढ़ेंगे, अगर नहीं पढ़ पाएंगे तो हम 4000 रुपए का नहीं, डिस्फेसिंग से सही क्या मतलब? हाँ 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 नहीं, ये तो तुम ज्यादा बता रहे हो, मैं तो फिर ब्रेकफेड में या तो यहाँ चेंज करवा लूँ, क्योंकि क्योंकि मैंने शायद उसको इतने पैसे लेके भेजा नहीं है। हाँ नहीं नहीं ठीक है ठीक है, वो ब्रेकपैड मुझे, ब्रेकपैड इससे जरा पूछिए टोटल पैसा इसके पास कितना बचा हुआ और कितना आपका खर्चा बैठ रहा है जरा। और टोटल कितना बैठ रहा है आपका अब तक? हाँ हाँ कितने कितने बैठे टोटल? 8000 बैठे, तो नहीं तो हाँ, तो फिर 1200 रुपए बैठेंगे तो 1200 रुपए में बाद में भिजवा दूंगा। या अरे यार, तो तुम फिर कैसे फिर काम चलेगा यहाँ से? ऑनलाइन आप ऑनलाइन वो अपना वो सब भेज दो, वो उससे ड्राइवर ले गया हुआ है, मैंने कहा भाई आजकल गाड़ी वाड़ी ठीक से करा लो, तो वहां से उसका फोन था कि उसमें ये प्रॉब्लम और आ रही है, तो मैंने उसे कुछ पैसे देके भेजा था कम पड़े, मैंने कहा ठीक है भाई करा दो पूरी, मैं ऑनलाइन ट्रांसफर। जी जी सर। सर जी, आपका एक क्वेश्चन मैंने सुना के ये ग्राउंड वाटर को इन्फेक्ट कर सकता है, ठीक है जी। देखिए अभी तक ऐसी कोई रिपोर्ट्स नहीं है कि ये वाटर कंटेमिनेट होता है या वाटर से बॉर्न डिजीज है। वाटर बॉर्न डिजीज का इसका अभी तक कोई भी, क्योंकि वाटर के अंदर जब ये जाएगी तो वाटर के अंदर जाने पर ये कैसे बिहेव करेगा, इसकी प्रोटीन सेल और इसका न्यूक्लिक एसिड, ये अभी कोई ज्यादा, क्योंकि लोगों का अभी इस पे कंसंट्रेशन और फोकस ही नहीं है। अभी तो लोगों का जितने भी साइंटिस्ट है सबका फोकस ये है कि भाई इसको, इसका बचाव कैसे किया जाए।
अब जैसे लोगों साइंटिस्ट ने रिसर्च कर ली है कि ये प्लास्टिक पर सर्वाइव करता है, सरफेसिस पर सर्वाइव करता है, इस स्टील पर सर्वाइव करता है, इतने दिन सर्वाइव करता है, और एयर में सर्वाइव कुछ रिपोर्ट्स हैं कि करता है, कुछ लोग रिपोर्ट्स कर रहे हैं कि नहीं करता है। लेकिन सर्वाइवल और इन्फेक्शन दोनों में अंतर है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, अभी एक पेपर पढ़ रहा था कुछ दिन पहले। अगर दो चार वायरस ही आपके अंदर जा रहे हैं तो ये दो चार वायरस डिजीज कॉज करने वाले नहीं है, क्योंकि अभी जब यहां से थ्रोट से इंफेक्शन लिया गया, थ्रोट से सैंपल लिया गया, तो जिस थ्रोट से सैंपल लिया गया वो पॉजिटिव था, लेकिन जब उसको कल्चर किया इसको तो कल्चर उसकी निगेटिव थी, और वही कल्चर पॉजिटिव आई जिसके अंदर कम से कम 1 मिलियन वायरस पर मिलीलीटर थे। तो अभी तो साइंटिस्ट को यह भी बहुत अच्छी तरह से क्लियर नहीं है कि कितना इनोकुलम इसका एनफ है इंफेक्शन कॉज करने के लिए। अभी तो ये वायरस आया है, अभी तो साइंटिस्ट ने इसको खोज करना शुरू किया है और अभी इसके बारे में जानना शुरू किया है, तो अभी ये सब चीजें टाइम लगेगा। लेकिन जो बेसिकली एज ए माइक्रोबायोलॉजिस्ट जो मैं सस्पेक्ट करता हूं, आई डोंट थिंक दैट दिस विल बी ए वाटर बॉर्न डिजीज। ये वाटर बॉर्न डिजीज नहीं है। मे आई आस्क द क्वेश्चन? यस प्लीज। सर बहुत ही एक्सीलेंट टॉक, और शायद इस रीजन के लिए, पूर्वांचल रीजन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट और एक्सीलेंट वे में आपने एक्सप्रेस किया। मेरा एक जनरल क्वेश्चन है, क्योंकि बलिया रीजन में जो हम लोग मूव कर रहे हैं, तो मैं ये देख रही हूँ कि 20% लोग बाहर मास्क यूज कर रहे हैं, आउटसाइड हाउसेज और ऑन द रोड, इवन बाइक भी चला रहे हैं तो कुछ नहीं लगा रखा, ना हेलमेट लगा रखा है, ना मास्क लगा रखा है। तो हालांकि आपने बहुत अच्छा डिस्क्राइब किया कब लगाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए, कहाँ आवश्यकता है, कहाँ नहीं, मैं ये जानना चाहती हूँ कि किस तरह का मास्क लगाया जाए, विच टाइप ऑफ मास्क वन शुड यूज एज ए कॉमन मैन। देखिए, हालांकि एक तो आप देख रहे हैं कि वो N95 मास्क है, वो लगाने की आपको जरूरत नहीं है। ये तो मेडिकल जो एक्सपर्ट्स हैं या जो मेडिकल हैं, क्योंकि वो ज्यादा वायरल लोड में रहते हैं, उनके लिए जरूरी। हमारे और आपके लोगों के लिए हम नॉर्मल मास्क, जैसे ये है नॉर्मल मास्क, दिस इज द नॉर्मल वन, ये हम लगा सकते हैं। ये अवेलेबल नहीं है तो सूती कपड़ा ले लीजिए, और सूती कपड़ा को 3 लेयर बना लीजिए, और 3 लेयर लगा। वो हमारे गांव में पहले होता था ना कि वो एक चुन्नी सी लगा लेते थे, ढक लेते थे। मैंने कहा एक बार एक अपनी पोस्ट भी करी है, क्योंकि दिस इज, ऐसा नहीं है कि ये वायरस इतनी फोर्स से आ रहा है और फोर्स से आकर के छन करके आपके अंदर चला जाएगा, क्योंकि आप जब रेस्पायर कर रहे हैं तो रेस्पायर आप नॉर्मल कर रहे हैं ना, नॉर्मल सांस ले रहे हैं, नॉर्मल सांस ले रहे हैं। तो अगर मान लीजिए एयर के अंदर भी कुछ, ये एरोसोल में भी कुछ वायरस है, तो जो आपके ये पोर्स हैं, छेद हैं, इन छेद में से क्या जरूरी है कि वायरस ही छन करके जाएगा? ये तो वायरस, इसकी दीवार है, छेद बहुत छोटे छोटे हैं, वायरस दीवारों पे, इस पे, उस पे, सब पे अटक भी तो जाएगा वहां पर। अगर आप 1000 पार्टिकल्स होंगे और 1000 पार्टिकल्स नॉर्मल तरीके से आप ले रहे हो, तो मे बी दैट ओनली 1 पार्टिकल विल बी एबल टू गेट फिल्टर। यस। तो आप अगर खाली जो है 3 लेयर प्रिकॉशनरी एज ए माइक्रोबायोलॉजिस्ट में इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि पहली लेयर आपकी मान लीजिए इन्फेक्ट हो गई तो दूसरी लेयर आपको बचा देगी, और फिर तीसरी लेयर आपको बचा देगी। इसलिए मैं आपको, थैंक यू सो मच, साइंटिफिकली 1 लेयर भी अगर फिट है तो 1 लेयर इज, इसलिए 3 लेयर आप साइंटिफिकली किसी भी सूती कपड़े की, सूती कपड़ा में क्यों कहना चाह रहा हूँ, सूती कपड़ा इसलिए कि जो आपका जो नाइलॉन पॉलीथीन ये सब जो कपड़े होते हैं, ये सब आपके चार्ज्ड पार्टिकल है, उनके ऊपर कोई चार्ज रहता है, और वो चार्ज जो रहता है वो प्रोटीन्स को अट्रैक्ट करेगा, प्रोटीन भी चार्ज है पार्टिकल, इसलिए आप सूती कपड़ा लीजिए, सूती वाला जो है, कॉटन वाला जो है, कॉटन वाले पे कोई चार्ज नहीं होता, कोई इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं होता, तो वो जो इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं होता वो आपको ज्यादा प्रोटेक्शन। एग्जैक्टली, थैंक यू सर। डॉक्टर राघव वांट्स टू स्पीक समथिंग। यस प्लीज। थैंक यू सर।
बहुत लंबे समय के बाद आपको सुनने का मौका मिला। थैंक यू, थैंक यू। और मुझे तो लग रहा था मैं आपकी क्लास में बैठा हूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सो नाइस ऑफ यू सर टू एक्सेप्ट दिस इनविटेशन। शाह को मैंने बहुत दिन बाद देखा है। हम चाहेंगे कि भविष्य में भी इसी तरह के प्रोग्राम में आप हमसे। नहीं, मैं तो देखिए किसी को मना करता नहीं हूँ, आपको सही बता दूं। और जब से ये सिस्टम आपका ऑनलाइन वाला सिस्टम शुरू हुआ है, आई एम फीलिंग मोर कंफर्टेबल। या वेरी ट्रू, क्योंकि सवाल क्या है कि हम जैसे लोगों के लिए ट्रेवल डिफिकल्ट है। अभी आपके पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से, जौनपुर से ही आपका, अभी दो दिन पहले मेरे पास आपका फोन आ रहा था आपकी यूनिवर्सिटी से कि साहब वो एक सिलेक्शन कमेटी है, उसमें आप वाइस चांसलर नॉमिनी है, आप आ जाइए। मैंने कहा भैया आना तो मेरे बस की है नहीं, अगर आप ऑनलाइन करा सकते हो इंटरव्यू तो ऑनलाइन इंटरव्यू करा लो। तो ऑनलाइन में हम जैसे लोगों के लिए, जो भाई अब हमें, हमारा तो मेन पर्पज ये है कि जो हम जानते हैं, हमारी नॉलेज है, वो हमारा एक्सपीरियंस है, उससे आप लोगों को, यंगस्टर्स को फायदा हो, उनको पता चले, जितने ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, जितने ज्यादा से ज्यादा लोग हो, ठीक है, हमारा भी टाइम कट जाता है। मैं तो खैर वैसे भी अभी भी एक्टिव सर्विस में हूँ यूनिवर्सिटी के अंदर, तो यूनिवर्सिटी के अंदर भी मैं सुबह भी था एक लेक्चर में, अब हूँ, अब शाम को एक लेक्चर और है, और मैं सबको मॉनिटरिंग करता रहता हूँ, तो मैं तो बिजी रहता हूँ, एंड आई लाइक टू रिमेन बिजी। आप बिजी रहेंगे आप उतने खुश रहेंगे, मेरा तो अपना कंसर्न तो ये। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू सर। और निशा कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ सर, और अभी अभी सबकी सूचना के लिए 5 तारीख को शाम को 5 बजे सर आ रहे हैं। 5 तारीख को निशा ने मेरे से जो है टाइम ले लिया है, और निशा ने मेरे से कहा है कि आई विल स्पीक ऑन व्हाट विल बी द लाइफ इन 2050। वेरी हाइपोथेटिकल, वेरी हाइपोथेटिकल थिंग्स, तो आप लोगों को बता दीजिए, जितने ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे जुड़ेंगे तो वी विल डिस्कस के भाई। और अभी साइंस कांग्रेस होने वाली है पुणे में, उसमें मैं सेक्शनल प्रेसिडेंट भी हूँ एनवायरमेंटल साइंस का, तो अपने यहाँ से आप फैकल्टी मेंबर्स को सबको कहिए पेपर भेजें एनवायरमेंटल साइंस में, एंड आई थिंक दैट वी शुड ऑर्गेनाइज दिस साइंस कांग्रेस एनवायरमेंटल सेक्शन एज वन ऑफ द वेरी लेंथी सेक्शन and memorable, we will try to make it. So it will be online? नहीं ऑनलाइन नहीं होगा। अगर जब तक कोरोना वायरस चलता रहा जनवरी तक तो ऑनलाइन ही होगा। चलिए सर, गुड लक फॉर दैट, वील मीट यू, थैंक्स। किसी और का कोई क्वेश्चन? सर मेरा एक क्वेश्चन है, क्या इसके लिए वैक्सीन बनाई जा सकती है इस वायरस के लिए? आपका क्वेश्चन इतना इंटरेस्टिंग है, इतना बढ़िया क्वेश्चन है कि इट हैज टच्ड माय हार्ट, और मैं इसका आंसर बहुत प्लेनली और फ्रेंकली आप सब लोगों को देना चाहता हूं। थैंक यू सर। और जितने भी लोग और भी जुड़े हुए हैं वो समझ लें, सब सोच लें, ये आरएनए वायरस है एंड इट इज वेरी फ्लेक्सिबल, वेरी म्यूटेबल। आज ऐसा है, कल को वैसा हो जाएगा, परसों को और चेंज कर लेगा। इसका हिसाब किताब है, तू डाल मैं पाक पाक, तुम जो चेंज करोगे अपने आप को मैं भी चेंज कर लूंगा। आरएनए वायरस के अंदर ये खूबी होती है, और आरएनए वायरस के अगेंस्ट अभी तक कोई वैक्सीन बनी नहीं है। हालांकि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वालों ने एक सिस्टम नया निकाला है और वो टेस्टिंग में है, काफी एडवांस स्टेज पे है, और 120 साइंटिस्ट या कंपनी जो है इस पे काम कर रही है, उनमें से 6 ऑलरेडी एडवांस स्टेज पे हैं, और सबके 120 के 120 क्लेम कर रहे हैं कि साहब हम जो है वैक्सीन बना ली है और हमारी एडवांस स्टेज में और टेस्टिंग में, और ठीक काम करेगी। जब ठीक काम करेगी करेगी तब पता चलेगा, लेकिन आरएनए वायरस है ये बहुत इंटेलिजेंट है, इतना इंटेलिजेंट है कि वैक्सीन जो है वो हमें बड़ी इंटेलिजेंट बनानी पड़ेगी। अगर हम इंटेलिजेंट वैक्सीन बना भी लेंगे, मैंने कहा अगर हम बना भी लेंगे तो जरूरी नहीं वायरस के सामने रुकेगी, इसलिए इस वायरस से लड़ना है तो अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करो। एक तो अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करो, और दूसरा आप सोशल डिस्टेंस मेंटेन करो, अपनी लाइफ थोड़ी चेंज कर लो, भैया नमस्ते कर लो सबसे, हाथ मिलाना बंद कर लो, शेक हैंड बंद कर दीजिए, हाथ मिलाना बंद कर दीजिए, नमस्ते कर लीजिए, दैट इज बेस्ट। Talk from a distance, taste from a distance,
but up to what limit, sir? That is not possible every time. Up to what limit and what extents? That I want to. Six feet. The vaccines are not been created. देखिए ऐसा है, ऐसा है कि हम और घर में रह रहे हैं. हम घर में रह रहे हैं तो हम अपने बच्चों से डिस्टेंस तो मेंटेन नहीं कर सकते. पेरेंट्स से डिस्टेंस तो मेंटेन नहीं कर सकते. लेकिन हमको पता है कि हमारे बच्चे और हमारे पेरेंट्स जो है वो इन्फेक्टेड नहीं है. जो नोन कॉन्टेक्ट है, जो पता है जिनका, उनसे कहे का डिस्टेंस मेंटेन करोगे भाई आप? डिस्टेंस आपको किससे मेंटेन करना है? या तो वो इन्फेक्टेड पर्सन हो या वो अननोन है. अब देख, एक एक जो बात आ रही है जो आप टीवी चैनल पर सब में देखते हैं और रोज सुनते हैं कि सब जो एसिम्प्टोमेटिक पर्सन हैं, एक बार आपने WHO ने भी ये क्लेम कर दिया था कि एसिम्प्टोमेटिक पर्सन जो है दे आर नॉट गोइंग टू मेक एनी इन्फेक्शन. बाद में जब हम जैसे माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने, बहुत सारे माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने उसको बम्प किया और उसको लिखा कि साहब आपने कैसे कह दिया ये, क्योंकि WHO का चीफ जो है, आपको शायद पता है या नहीं पता, ही इज ए नॉन मेडिकल पर्सन एट प्रेजेंट. और नॉन मेडिकल पर्सन होने की वजह से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आ गई हैं. ये जो कॉम्प्लिकेशन आई है वर्ल्ड में, मैं आई एम ऑफ द वेरी स्ट्रांग ओपिनियन कि चाइना अगर उसको झूठ बोल भी रहा था कि साहब ये इन्फेक्शन नहीं जाएगा और ये नहीं है, चाइना तो अगर कोई मेडिकल पर्सन होता तो वो उस पर ट्रस्ट नहीं करता. और ये जो इन्होंने काफी लेट फरवरी में इन्होंने जाके कहा साहब कि ह्यूमन टू ह्यूमन इन्फेक्शन है और पेंडेमिक, इसको मार्च में जाके डिक्लेयर किया. अगर कोई मेडिकल पर्सन होता तो वो इसको पहले ही पेंडेमिक डिक्लेयर कर देता, पहले ही वो इसको डिक्लेयर कर देता कि साहब ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर है और चाइना की बातों में वो नहीं आता. नॉन मेडिकल है, उसको उन्होंने समझा बुझा लिया, उसको मिसलीड कर लिया. इसलिए मैं आपको बताता हूं कि आपको डिस्टेंस उससे मेंटेन करना है जो या तो अननोन है, जिसको आप नहीं जानते, क्योंकि नहीं जानते हैं तो वो सिम्टोमेटिक भी हो सकता है, एसिम्टोमेटिक भी हो सकता है. जो सिम्टोमेटिक है, खांस रहा है, बीमार है, ये चीज है, तो अब तो आजकल सबको पता है, वो खुद ही बेचारा घर में है या खुद ही रह रहा है, उससे आपको डिस्टेंस मेंटेन करना है. जिसका आपको पता है कि घर में रह रहा है, जो नॉन सिम्प्टोमेटिक है, जिसके अंदर बीमारी नहीं है, उससे कहे का डिस्टेंस मेंटेन करना है. आप फिर भी थोड़ा बहुत प्रिकॉशनरी मेंटेन करिए. लेकिन जब आप बोल रहे हैं, खास जैसे आप कहीं संगीत में गए हुए हैं, जोर से बोल रहे हैं, कहीं स्पीच हो रही है, वो जहां पे लाउड है, जहां ज्यादा जोर से बोल रहे हैं, तो वहां आपकी जितने लाउड होंगे उतना ही एरोसोल और एयर ड्रॉपलेट ज्यादा फोर्स से निकलेंगी. जितनी ज्यादा फोर्स से निकलेंगी वो डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल करेंगी. अगर हम नॉर्मल बातचीत कर रहे हैं, धीरे धीरे बातचीत कर रहे हैं, तो उसमें 6 फीट डिस्टेंस की जरूरत नहीं है. इसमें धीरे धीरे बोल रहा हूँ, ठीक है, ऐसे बोल रहा हूँ, तो उसमें जो मैं बोल रहा हूँ तो ये कितने फीट जाएगा, 2 फीट, 2.5 फीट. तो ये हमें सीखना पड़ेगा और हमें सिखाना पड़ेगा. ये जो चैनल्स पे बैठकर जो हमारे पॉलिटिशियंस रोज भाषण देते रहते हैं, बताते रहते हैं, ये जो कल्चर है, हमारी चैनल्स को बंद करनी पड़ेगी. इसको चैनल को बंद करके ये कुछ अच्छे एकेडमिशियंस, अच्छे लोग जो करके पब्लिक को समझाएंगे. तो ऐसा नहीं है कि पब्लिक हमारी बेवकूफ है. कोई आदमी मरना नहीं चाहता, नोबडी वांट्स टू डाई. हर आदमी को अपनी जान प्यारी है. बहुत कम लोग हैं जो सुसाइड करते हैं, लेकिन सुसाइड करने वाला भी कोरोना से बीमारी नहीं होना चाहता. समझे? तो आप उनको समझाएंगे, आपका समझाने का तरीका होना चाहिए, एक्सप्लेनेशन का तरीका होना चाहिए. आप उसको बताएं ना, खाली आप कह दो अवेयरनेस. सर, अवेयरनेस क्रिएट करना होगा. यस, मतलब पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करना है. हमारे टीचर्स, हम जो टीचर्स हैं, हमारा काम यह है कि हम अच्छी तरह से लोगों को अपनी बात समझा सके. हमारा पर्पज क्या है टीचर, टीचर का पर देखिए. अब आपकी क्लासरूम टीचिंग नहीं है, लेकिन मैं तो अभी भी अपने आप को समझता हूँ कि जो मैं तो आपसे बात ही कर रहा हूँ, इसी तरह से बात कर रहा हूँ जैसे है. तो अब इस जमाने के अंदर, इस दौर के अंदर, इस नेट के जो दौर के अंदर, वही टीचर सर्वाइव कर पाएंगे जो अपने आप को ज्यादा एक्सप्रेसिव है, जो अपनी बात को दूर बैठे हुए भी समझा पा रहे हैं. तो वी विल आल्सो हैव टू चेंज अवर सिस्टम. एक तरह से रिवॉल्यूशन कही जा सकती है. यस,
जैसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुई दिस इज द रिवॉल्यूशन इन एजुकेशन टेक्नोलॉजी. हम लोग शायद अगर ये कहते हैं कि साहब के आप नेट से टीचिंग करना शुरू कर दीजिए, ऑनलाइन टीचिंग शुरू करना शुरू कर दीजिए, तो मेरे ख्याल से अभी हमको 5-7 साल लगते यूनिवर्सिटीज को, कॉलेज को. आपका कॉलेज तो मैं समझता हूँ कि रिमोट एरिया के अंदर है, बलिया के अंदर है, और लोग सोच भी नहीं सकते थे हम लोग जो है इंटरनेट के थ्रू क्लास शुरू कर देंगे. लेकिन कंपल्सन में ही सही, हमने सीखा and we are doing very good and I am very happy ke aap baliya